वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? सबसे पहले ये बता दीजिए कि आई एम परफेक्टली ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू। क्या आप मुझे देख और सुन पा रहे हैं? ऑल राइट right. तो जैसा कि आप लोगों को पता है, एलेक जुडिशरी लेके लेके आ गया है आपके लिए एक नया अनाउंसमेंट, एक नया गिफ्ट जो कि रहेगा मॉक टेस्ट सीरीज के फॉर्म में। एलेक जुडिशरी लॉन्च कर रहा है न्यू मॉक टेस्ट सीरीज फॉर दी एमपी एडीपीओ, जिसका पहला जो मॉक होगा जो कि कंडक्ट होगा 5th ऑफ दिसंबर, वो पूरी तरह से फ्री होगा। आप इस टेस्ट को, फ्री मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं एलेक जुडिशरी की एप्लीकेशन पर जाकर। अगर आप इस मॉक टेस्ट सीरीज को परचेज करना चाहते हैं, इसके बारे में जो भी जानकारी लेना चाहते हैं, वो उसके लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। जैसा कि अब तक मध्य प्रदेश एडीपीओ एग्जाम के द्वारा के लिए जो एलेक जुडिशरी के द्वारा चलाई जा रही फ्री क्रैश कोर्स सीरीज में आप लोगों ने कई सब्जेक्ट पढ़े, जो लास्ट सब्जेक्ट जो मैंने डील किया था वो था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। आज जो सब्जेक्ट है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो सवाल यह है कि ऐसा क्या है इस एक्ट में जो इस एक्ट को बाकी सारे एक्ट से डिफरेंट डिफरेंट बनाता है? कुछ खास बातें नहीं है, बस जो जो समस्याएं आती हैं वाइल रीडिंग दिस एक्ट, इस एक्ट को पढ़ने में और याद रखने में जो समस्याओं को हमें सामना करना पड़ता है वो ये है कि इस एक्ट में जो प्रोसीजर्स हैं वो बहुत ही लेंदी हैं, कॉम्प्लिकेटेड हैं। कई सारी बातों के बारे में ये जो एक्ट है वो बात करता है। आज हम बारी बारी से जो एक एक गुत्थी है इस एक्ट की उसको समझेंगे, और इस सेशन को अटेंड करने के बाद आप लोगों को ये महसूस होगा कि इससे ज्यादा सिंपल और सरल जो एक्ट है इस पूरी एमपीएडीपीओ के जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें है ही नहीं। तो बस जुड़े रहिए इस वीडियो के एंड तक। कुछ एक जो सवाल हैं इस एक्ट से संबंधित, वो भी मैं एक क्विज के फॉर्म में आपसे रैपिड फायर की तरह इस वीडियो के लास्ट में आपसे पूछूंगा, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को। अब सबसे पहले तो प्रियम्बल देख लेते हैं इस एक्ट का। निशांत, आईटी एक्ट की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप पे अब तक गई नहीं है क्या? अच्छा, मैं एक बार चेक करवा लेता हूँ, है ना? वैसे मैंने फॉरवर्ड कर दी थी अपलोड करने के लिए, मैं आज एक बार चेक करवा लेता हूँ, कर देते हैं इसको अपलोड। अगर वैसे तो हो गई होगी, अगर नहीं हुई है तो मैं एक बार दोबारा इसको क्रॉस चेक कर लेता हूँ, ठीक है? क्लास ऑन नहीं है, साउंड का कोई इश्यू है? परफेक्ट, ओके, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि देखिए, जैसे ही हमने ये देखा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, तो इस एक्ट का जो पर्पज है, वो ऑब्जेक्टिव है, वो उसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि वाइल्ड लाइफ यानी कि वन्य जीवों का क्या प्रोटेक्शन, संरक्षण, ठीक है? तो अब इसमें जो बातें पढ़ेंगे वो हम क्या पढ़ेंगे? वाइल्ड लाइफ कौन होता है, वाइल्ड लाइफ, ठीक है, प्रोटेक्शन कैसे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाएगा, इसी के बारे में ये एक्ट है, ठीक है? वाइल्ड लाइफ कौन होगा, उनको प्रोटेक्ट करने की डिफरेंट डिफरेंट जो रेगुलेशंस लाई गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा वो होंगी बातें। उसके बाद कौन कौन डिफरेंट अथॉरिटीज हैं जो इस एक्ट में अपॉइंट की जाएंगी टू रेगुलेट दी द प्रोसीजर टू इंप्लीमेंट दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस एक्ट, ये सारी बातें हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। और बस आप तो ये देखते जाइए कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट मैं आप लोगों के लिए कितना आसान बनाता हूं।
तो पहली बात तो है, प्रियम्बल में पहले ही लिखा है प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल वर्ड्स एंड प्लांट्स। तो वाइल्ड लाइफ में कौन कौन यहां पर शामिल है? वाइल्ड एनिमल्स, वर्ड्स एंड प्लांट्स, ये तीन, इन तीन स्पीशीज की प्रोटेक्शन की बात होगी इस एक्ट में। इसके बाद ये सब, अब ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की बात आती क्यों है? ये इसलिए आती है कि जो इकोलॉजी है, इकोलॉजी है जो एनवायरमेंट है, जो फूड चेन है, उसका एक बैलेंस बना रहे, बस इसी बात को इंश्योर करने के लिए वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना इतना जरूरी हो जाता है। ठीक है, ये हमने समझ लिया। उसके बाद आता है पहला प्रोविजन। पहला प्रोविजन बात करता है, इसमें एक बड़ी खास बात है। ठीक है, हमने ज्यादातर जो एक्ट्स पढ़ते हैं उनमें एक बात लिखी जाती है कि इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन जैसे ही जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट आया था, उसके बाद से जो सारे जो एक्ट हैं वो अब जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू होते हैं। लेकिन ये बात अभी अगर देखा जाए, अभी की मौजूदा स्थिति में, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ये बात लिखी गई है कि इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो अब तक ये बात इस एक्ट से हटाई नहीं गई है। तो अगर सवाल आ जाता है कि इसके एक्सटेंशन से संबंधित, इसके एक्सटेंशन से संबंधित जो सवाल आता है, तो अब उसमें ये डाउट रहेगा कि क्या लिखा जाए, होल ऑफ इंडिया लिखा जाए, एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, या फिर ये लिखा जाए कि होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो मेरे हिसाब से जो एक्ट वो जो बात कहता है वो ये है कि होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो जो इसके जो सब जो इसकी वर्डिंग्स हैं, है ना, उसके हिसाब से ही जाना सही रहेगा। एक रीजनेबल अप्रोच यही होनी चाहिए। ठीक है, बाकी इस तरह का सवाल जो आने के चांसेस बहुत कम है, वो मैंने बता दिया आपको कि कहीं दिमाग में किसी तरह का कंफ्यूजन ना रहे। मूविंग फर्दर, इस एक्ट की कोई भी एक पर्टिकुलर कमेंसमेंट डेट नहीं है, लेकिन जो एक बात है जो हमें ध्यान में रखनी है इसके संबंध में, जो कमेंसमेंट डेट के संबंध में, वो ये रखनी है, ये जो एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, वो मध्य प्रदेश में कब लागू हुआ था, कब प्रवर्तन में आया था? 25 जनवरी 1973, ये डेट याद रखिए। 25 जनवरी 1973 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट मध्य प्रदेश में लागू हुआ था, ये डेट याद रखिएगा। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। ठीक है, पहली डेफिनेशन एनिमल। एनिमल में कौन आता है? वर्ड्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स। इसके अलावा जो वर्ड्स एंड रेप्टाइल्स के जो एग्स होते हैं, जो अंडे होते हैं, वो भी एनिमल की डेफिनेशन में आते हैं। तो ये याद रखिएगा, आप इसका नंबर भी याद रखिएगा। ठीक है, यहां से भी सवाल आ सकता है और कौन कौन इसमें शामिल होता है वहां से भी सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनिमल आर्टिकल, अब एनिमल आर्टिकल क्या होते हैं कि जो भी वस्तुएं जो होती हैं, जो जानवरों से बनाई जाती हैं, मान के चलो कि किसी जानवर के दांत से कुछ बनाया जा रहा है, उसकी स्किन, उसकी चमड़ी से कुछ बनाया जा रहा है, तो ये सब बातें आती हैं एनिमल आर्टिकल में। ठीक है, एनिमल आर्टिकल का मतलब होता है एन आर्टिकल मेड फ्रॉम कैप्टिव एनिमल और वाइल्ड लाइफ अदर देन बर्मिन। अब कैप्टिव एनिमल कौन होता है, वाइल्ड एनिमल कौन होता है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को जब हम पढ़ेंगे तो इसमें 6 शेड्यूल्स दे रखे हैं। ठीक है, तो उन शेड्यूल्स में बताया गया है कि शेड्यूल 1, 2, 3, 4, इनमें अगर कोई एनिमल फॉल करता है, शेड्यूल 1, 2, 3, 4 में अगर कोई किसी एनिमल का नाम लिखा गया है, उस एनिमल को क्या कहते हैं? वाइल्ड एनिमल। और कैप्टिव एनिमल कौन होता है? जिस भी वाइल्ड एनिमल को कैप्टिव यानी कि गुलाम बना के रखा जाता है, यानी कि बंदी बना के रखा जाता है, उसी को कहते हैं कैप्टिव एनिमल। तो कैप्टिव एनिमल कौन होता है? वाइल्ड एनिमल, जिसको बंदी बनाकर रखा जाता है। उसके अलावा अदर देन बर्मिन, बर्मिन क्या होता है? बर्मिन होता है कि शेड्यूल 5 है जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का, उसमें कुछ एक जानवरों का नाम बता दिए हैं जिनको हम बर्मिन कहेंगे, और उन पर ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अप्लाई नहीं होगा। जैसे कि एक जानवर आता है फ्रूट फ्रूट बैट करके, है ना, एक चमकादर होता है, एक अलग प्रकार का, है ना, जो चूहा होता है वो भी बर्मिन की डेफिनेशन में आता है। तो
इन पर ये एक्ट लागू नहीं होगा, इसको आगे और बाकी प्रोविजंस में इसकी डिटेल में बात होगी बर्मिन की। अभी के लिए इतना समझ लेते हैं कि एनिमल आर्टिकल का मतलब होता है कोई भी आर्टिकल जो कैप्टिव एनिमल से बना हो या वाइल्ड एनिमल से अदर देन बर्मिन। इसमें और क्या चीज आती है, आइवरी। आइवरी का मतलब होता है हाथी के दांत। ठीक है, हाथी के दांत अगर भारत में इंपोर्ट किए जाते हैं ठीक है, तो वो भी एनिमल आर्टिकल का पार्ट होगा। तो ये याद रखिएगा नंबर, और ये अंदर के जो इंग्रेडिएंट्स हैं इस डेफिनेशन के वो भी आपको याद रखनी है। ठीक है, कैप्टिव एनिमल मैंने आपने आपको अभी बता ही दिया, कोई भी एनिमल जो शेड्यूल 1, 2, 3, 4 में डिफाइंड है और जिसको कैप्चर किया जाता है, बंदी बनाया जाता है, वही है कैप्टिव एनिमल। इसका जो नंबर है वो याद रखिएगा, कौन होता है कैप्टिव एनिमल ये भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। फॉरेस्ट ऑफिसर एक टर्म है जो इस एक्ट में इस्तेमाल होगा। फॉरेस्ट ऑफिसर वही अधिकारी होता है जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, कुछ नहीं है, इतना ही समझ लीजिए कि कौन होता है फॉरेस्ट ऑफिसर। हैबिटाट, हैबिटाट कौन होता है, कि हैबिटाट का मतलब होता है कि जो भी नेचुरल होम होता है वाइल्ड एनिमल्स का, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, हम हैबिटाट कहते हैं। जो भी नेचुरल होम है, जो भी प्राकृतिक ग्रह है वाइल्ड एनिमल का, उसी को हम हैबिटाट कहते हैं। ठीक है, जैसे जानवर मुख्य रूप से जंगल, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो जंगल वगैरह में रहते हैं, तो उनका जो नेचुरल हैबिटाट है, जो घर है उनका, वो क्या है, वो जंगल्स। बाद में हम उनको चिड़ियाघर में लेके आ जाते हैं, सर्कस में ले आते हैं, लेकिन वो उनका हैबिटाट नहीं है, उनका असल हैबिटाट क्या है, वो जंगल। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हंटिंग। ये नंबर याद रखिएगा, पहले तो हंटिंग का 16वें नंबर पे। अब हंटिंग में क्या क्या आता है, किसी वाइल्ड या कैप्टिव एनिमल की हत्या या फिर हत्या का प्रयास, किलिंग और अटेम्प्ट टू डू सो। उसके अलावा कैप्चरिंग, बंदी बनाना, किसी भी वाइल्ड या कैप्टिव एनिमल को बंदी बनाना, कैप्चर करना, या फिर उसका प्रयास अटेम्प्ट, ये भी इसकी हंटिंग की डेफिनेशन में आता है। ठीक है, तीसरी बात, किसी जानवर को क्षति पहुंचाना या फिर किसी जानवर के जो अंडे हैं उनको नष्ट करना, डैमेज करना, ये जो सारी बातें हैं ये आती हैं हंटिंग में। इसको मैंने बता दिया आपको, रीड कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रोटेक्टेड एरिया, संरक्षित क्षेत्र। प्रोटेक्टेड एरिया क्या होंगे इस एक्ट में, कुछ ऐसे एरियाज होंगे जिनको स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करेगी, डिक्लेयर करेगी एज अ प्रोटेक्टेड एरिया। वो एरियाज कौन-कौन से होंगे, नेशनल पार्क, सेंचुरी, कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व। ये अलग-अलग प्रोविजंस हैं जो इन सारे ये जो भी अभी इन सारी बातों के बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन होगा। ये प्रोविजंस हैं 1835, ये दिए हैं, आगे हम पढ़ेंगे। नेशनल पार्क क्या होता है, सेंचुरी क्या होती है, कंजर्वेशन रिजर्व क्या होता है, कम्युनिटी रिजर्व क्या होता है, ये जो टर्म्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको बारी बारी से हम डिस्कस करेंगे। अभी अभी सिर्फ आप इतना याद रखिए, प्रोटेक्टेड एरियाज की डेफिनेशन में ये चारों आते हैं, ये फॉल करते हैं। ठीक है, साथ में एक सवाल पूछ लेता हूं, ये बताइए कि अभी मैंने बताया कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट पढ़ा था, तो उसकी कमेंसमेंट डेट बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में। आईटी एक्ट की कमेंसमेंट डेट क्या है, पंद्रह दिन बचे हैं एग्जाम में, 17th अक्टूबर 2000। बहुत बढ़िया वीर, 17 अक्टूबर 2000 को आईटी एक्ट कमेंस हुआ था। और क्या ये एडीपीओ का क्या है, कुछ लोग कह रहे थे उस दिन आखिरी जो मैंने लास्ट क्लास ली थी आईटी एक्ट की, उसमें कुछ लोगों का कहना था कि एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है एडीपीओ का। अब क्या लगता है लोगों को, हो सकता है कि नहीं हो सकता,
हो रहा है क्या? ईडीपीओ पोस्टपोन्ड। रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जिनको स्टेट गवर्नमेंट इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अंदर डिक्लेयर करती है कि ये फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट होंगे। ठीक है, इतनी ही बात है जो आपको याद रखनी है। सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है, चांसेस हैं, पोस्टपोन नहीं होगा। हाँ वीर, मुझे भी यही लगता है कि अब तो पोस्टपोन्ड नहीं होगा। हाँ नोटिफिकेशन आया है, कल ही आया है नोटिफिकेशन, 18 को होगा। ठीक है, मतलब अब जनता को पढ़ाई में जुड़ जाना चाहिए। मैंने तो लास्ट जो आईटी एक्ट की क्लास थी उसमें कहा था कि ये सब पोस्टपोनमेंट के ये सब के चक्करों में पढ़ के जिस जिस भी स्टूडेंट की तैयारी अच्छी चल रही है वो तैयारी बर्बाद होगी ही होगी। ठीक है, लेकिन ठीक है, ये सब तो माहौल। अब क्या है, कुछ बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं एजुकेशन सेक्टर में, है ना, उनकी जो उनका अपने आप को जो प्रचार करने का जो तरीका है ना, मार्केटिंग करने का तरीका, वो यही है कि ये पोस्टपोनमेंट और ये सब की जानकारी फैलाओ। ठीक है, कभी खुद वो लोग जाकर कभी आपके साथ जब भी कोर्ट में खड़े होने की बात आएगी वो आपके साथ खड़े नहीं होंगे, क्योंकि उनका सिर्फ पर्पज ही इतना है कि ये सारी बातों को इस तरह की खबर पे वीडियो बनाकर कि मैं ही हूं बच्चों का रखवाला आज का अर्जुन, है ना, इस तरह की वीडियो बनाकर सिर्फ अपनी पब्लिसिटी करना इनका पर्पज होता है। बाकी कभी देख लीजिएगा, अगर इतने ही अगर ये बच्चों का हित चाहने वाले हो ना तो पीआईएल फाइल करें, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। कि जो जो ये भी जो जो प्रोसेस है जिस भी एग्जाम की ये प्रोसेस है कि कार्रवाई लंबित है सरकार कोर्ट का फैसला नहीं आ रहा, स्टूडेंट्स के माइंड में ये असमंजस है कि पेपर होगा कि नहीं होगा, इसके खिलाफ अगर जाना है तो आप कोर्ट में जाइए ना, इतने ही बच्चों का हित चाहने वाले हो तो। लेकिन अधूरी जानकारी आपके पास है भी नहीं, है ना, पूरी जानकारी भले ही ना हो लेकिन आप ऐसे अपने आप को पोर्ट्रे करोगे जैसे हाँ कोर्ट में हियरिंग, आप ही स्टैंडिंग काउंसिल हो। चलो ठीक है, बहरहाल ट्रॉफी ट्रॉफी एक शब्द है जिसका क्या मतलब होता है कि जो भी, जैसे अभी हमने क्या पढ़ा था कि एनिमल आर्टिकल, एनिमल आर्टिकल कोई भी प्रोडक्ट होता है जो कि किसी जानवर के किसी बॉडी के किसी पार्ट्स किसी भी पार्ट से बनाया जाता है। ठीक है, ट्रॉफी क्या होता है, किसी भी कैप्टिव एनिमल या वाइल्ड एनिमल अदर देन बर्मिन, है ना, तो उसका जो शरीर का जो पार्ट होता है कोई भी हिस्सा होता है जानवर का, है ना, उसको संरक्षित प्रिजर्व करके रखा जाता है, उसको कहते हैं ट्रॉफी। जैसे कि किसी जानवर की स्किन हो गई, चर्बी हो गई, हड्डियां हो गई, सींग हो गए, जैसे कि जो गैंडे होते हैं राइनो होते हैं उनके जो सींग है वो भी मार्केट में बेचे जाते हैं। तो ये हो गई ट्रॉफी। ये डेफिनेशन का नंबर इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद होता है अनक्योर ट्रॉफी, वो ट्रॉफी जिनको प्रिजर्व करके नहीं रखा जाता है। मान के चलो कि कोई जानवर अभी मर गया और आपने उसको एक स्थान पर लाकर रख दिया, आपने कोई उसके प्रिजर्व नहीं किया, है ना, कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं किया कि उस जानवर को प्रिजर्व करके रखना है, उसके शरीर में कोई कीटाणु वगैरह है उसको उसकी बॉडी से निकालना है, इस तरह की आपने कोई भी प्रोसीजर फॉलो नहीं किया और अगर आप जानवर को डायरेक्ट किसी प्लेस पर रखते हैं तो वो अनक्योर्ड ट्रॉफी में आता है। ठीक है, वही है इसमें लिखा है, एनी कैप्टिव एनिमल और वाइल्ड एनिमल अदर देन बर्मिन विच हैज नॉट बीन अंडरगोन अ प्रोसेस ऑफ टेक्सीडर्मी, ठीक है, और एंड इंक्लूड्स अ फ्रेशली किल्ड वाइल्ड एनिमल। तो इससे आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या कन्वे करना चाहता हूं। अब आगे बढ़ते हैं, बर्मिन। बर्मिन मैंने क्या बताया था कि बर्मिन एक वाइल्ड एनिमल होता है जो कहां स्पेसिफाइड है, शेड्यूल 5 में। ये नंबर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको भी, बर्मिन क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड एनिमल क्या होते हैं कि शेड्यूल 1 से लेके शेड्यूल 4 तक जो भी एनिमल है
वो वाइल्ड एनिमल होते हैं। शेड्यूल 1 से 4 में जिन भी एनिमल का जिक्र है वो वाइल्ड एनिमल हैं, बस कुछ नहीं आगे बढ़ते हैं, कुछ ज्यादा है नहीं इसमें। 36 नंबर याद रखिएगा, 37 भी याद रखिएगा। वाइल्ड लाइफ का क्या मतलब होता है? एनिमल एक्वेटिक और लैंड वेजिटेशन। अभी हमने पढ़ा था जो कि जो भी जो जानवर हैं, ठीक है, जो कहाँ रहते, कहीं भी लैंड पर रहते हों चाहे पानी में रहते हों, है ना, जो वाइल्ड नेचर के जो भी जानवर होते हैं, और वो कहाँ मेंशन है? शेड्यूल 1 टू 4 में, ठीक है। चाहे वो जमीन पर रहते हैं, चाहे पानी में रहते हैं, चाहे पेड़ों पर रहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कौन होंगे? वाइल्ड एनिमल होंगे। अपॉइंटमेंट। अब ये जो चैप्टर 2 है वो बात करेगा अथॉरिटीज, कौन कौन सी अथॉरिटीज होंगी जो एक्ट इस एक्ट में अपॉइंट की जाएंगी टू रेगुलेट दी प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। सबसे पहला, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी किसको? डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन। डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन कौन अपॉइंट करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट, ये याद रखिएगा। मूविंग फर्दर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, अथॉरिटी है, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। ये चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होता है, वो बहुत सी जगह इस अथॉरिटी का, इस एक्ट में जिक्र होगा, इसका अपॉइंटमेंट याद रखिए। कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट किस किस को अपॉइंट करेगी? चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, वाइल्ड लाइफ वार्डन्स, ऑनररी वाइल्ड लाइफ वार्डन्स, है ना। और ये जो वाइल्ड लाइफ वार्डन्स होते हैं, ऑनररी वाइल्ड लाइफ वार्डन्स होते हैं, वो किसके अंडर काम करते हैं? चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के, ठीक है। ये इसके सबॉर्डिनेट होते हैं। किसके सबॉर्डिनेट होते हैं? चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के, ये याद रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट, एक अमेंडमेंट हुआ था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में 2002 का अमेंडमेंट, वो जो जिस डेट को वो अमेंडमेंट एक्ट कमेंस हुआ था, उस डेट के 3 महीने के भीतर भीतर, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना है? कॉन्स्टिट्यूट करना है क्या? नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ये नंबर, ये सेंट्रल गवर्नमेंट, ये 3 महीने, ये अमेंडमेंट एक्ट, ये सारी बातें आपको याद रखनी है, कहीं से भी सवाल पूछा जा सकता है। अब इसमें कौन कौन मेंबर्स होंगे इस बोर्ड में? तो इसमें जो आपको याद रखना है, ऐसे तो कई मेंबर्स हैं, जो याद रखना है कि प्राइम मिनिस्टर इस नेशनल बोर्ड का कौन होगा? चेयरपर्सन होगा, ये याद रखिएगा। और एक और बात, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है ना, वो भी इस बोर्ड का हिस्सा है, वो भी एक मेंबर है इस नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ में। मूविंग फर्दर, कुछ नहीं जानने की जरूरत है, ये सब स्टैंडिंग कमेटी भी नहीं जाननी। सेक्शन 5C, एक बार नंबर देख लीजिएगा कि नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की क्या क्या फंक्शंस होते हैं। कुछ नहीं है, वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन के संबंधित जो भी फैसले होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट स्टेप्स होंगे, वो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ उठाएगा। बस इतनी बात है, ये नंबर याद रखिएगा, 5C, फंक्शंस ऑफ द नेशनल बोर्ड। अब जो सेक्शन 6 है वो बात करता है स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। अभी हमने क्या पढ़ा था? नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, तो कौन कौन इसका कौन इसको कॉन्स्टिट्यूट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। अभी हमने क्या पढ़ा था? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2002, वहां सेंट्रल गवर्नमेंट कितने महीने के अंदर करना था उसको कॉन्स्टिट्यूट? 3 महीने के अंदर, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। यहाँ स्टेट गवर्नमेंट को कितने महीने के अंदर करना है? 6 महीने के। जैसे ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2002 कमेंस हुआ, उस डेट के 6 मंथ्स के भीतर भीतर, 6 महीने के भीतर भीतर आपको क्या करना है? स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कॉन्स्टिट्यूट करना है। बस ये नंबर याद रखिएगा, और ये स्टेट गवर्नमेंट, 6 महीने, और ये अमेंडमेंट एक्ट, ये सारी बातें याद रखनी है, यहां से सवाल बनेगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ नहीं है ये,
हाँ ड्यूटीज, ये नंबर याद रखिएगा, ड्यूटीज ऑफ स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। कुछ नहीं, ड्यूटी क्या हो? वही सब ड्यूटीज हैं कि प्रोटेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है वाइल्ड लाइफ को। उसके लिए जो भी फैसले लिए जाएंगे वो कौन लेगा? स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के लिए कौन लेगा? जो भी कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट है ना, वो वाइल्ड लाइफ स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ बनाएगी और वो उसकी ड्यूटीज होंगी कुल मिला के ये क्या, कि जो भी एरिया स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं है ना, जिनमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से संबंधित जो भी एरिया स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, उन सब को ये क्या करेगी? प्रोटेक्ट करेगी। बस इतना ही है इस बोर्ड का काम है, ठीक है? ज्यादा कुछ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये नंबर याद रखिएगा, ड्यूटीज ऑफ स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। इस जो एक्ट है इसमें ज्यादातर हम देखेंगे कुछ बहुत टेक्निकल बातें नहीं है, कुछ नहीं, एक बहुत सीधे सीधे प्रोसीजर्स हैं है ना। बस ये है कि प्रोसीजर बहुत लेंथी है इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो हम जितने भी प्रोसीजर हैं उसको एक स्टोरी की तरह समझेंगे, जिससे ये जो पूरा एक्ट है ना बिल्कुल आपको मक्खन की तरह लगेगा। प्रोहिबिशन ऑफ हंटिंग, नंबर याद रखिए पहली बात तो 9 नंबर, ठीक है? जो भी वाइल्ड एनिमल स्पेसिफाइड है 1, 2, 3, 4 शेड्यूल में, एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड सेक्शन 11 एंड 12। सेक्शन 9 एक जनरल रूल की बात करता है कि वाइल्ड एनिमल की हंटिंग नहीं होगी, ठीक है? शेड्यूल 1, 2, 3, 4 में जो भी एनिमल डिफाइंड है, दिया गया है, उसकी हंटिंग नहीं होगी, सिवाय 11 और 12 में। आगे पढ़ेंगे कि कौन सी वो कंडीशंस हैं जिसमें हंटिंग हो सकती है एक वाइल्ड एनिमल की। जनरल रूल क्या होता है, क्या कहता है सेक्शन 9 की? नहीं होगी, ठीक है? ये याद रखिएगा, 9 कब कब होगी वो भी समझ लेते हैं। हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स टू बी परमिटेड इन सर्टेन केसेस, कुछ कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें वाइल्ड एनिमल्स की जो हंटिंग है उसको परमिट किया गया है। कौन परमिट कर रहा है? चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को अगर लगता है कि कोई भी वाइल्ड एनिमल जो कि स्पेसिफाइड है शेड्यूल 1 में, जो भी वाइल्ड एनिमल स्पेसिफाइड है दिया गया है, वो डेंजरस हो चुका है, किसके लिए? ह्यूमन लाइफ के लिए, मानव जीवन के लिए, अगर वो खतरनाक हो चुका है या फिर उसको कोई बीमारी हो गई है जो बियॉन्ड रिकवरी है, जिसका उपचार नहीं हो सकता, तो लिखित में अपने कारण लिखेगा और कह देगा कि इस जानवर की हत्या कर दी जाए। कौन ये परमिशन देगा? चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, लिखित में, राइटिंग में, ठीक है? ये हमने समझ लिया। अगर मान के चलो कि उस जानवर को बिना मारे ही काम हो जा रहा है, उसको कैप्चर करके ही काम हो जा रहा है, तो उसको मारने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हम पढ़ते हैं, नो वाइल्ड एनिमल शैल बी ऑर्डर्ड टू बी किल्ड अनलेस द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन इज सेटिस्फाइड दैट सच एनिमल कैन नॉट बी कैप्चर। अगर कैप्चर किया जा सकता है तो कैप्चर करा जाएगा, मारा तो तब जाएगा जब उसको कैप्चर करना पॉसिबल ना हो। बस इतना समझ लिया, बहुत है। अब हमने जो अभी बात पढ़ी थी वो किसके रेस्पेक्ट में थी? शेड्यूल 1 के। अब आगे पढ़ते हैं, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन और ऑथराइज्ड ऑफिसर। ऊपर किसकी बात हो रही थी शेड्यूल 1 के रेस्पेक्ट में? सिर्फ चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की। अब कौन आ गया? एक ऑथराइज्ड ऑफिसर भी आएगा। ऑथराइज्ड कौन करेगा उसको? चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन और दी ऑथराइज्ड ऑफिसर अगर उसको लगता है कि जो वाइल्ड एनिमल स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 2, 3, 4, अगर शेड्यूल 2, 3, 4 में जो भी स्पेसिफाइड वाइल्ड लाइफ वाइल्ड एनिमल है वो क्या हो गया है कि उस ह्यूमन लाइफ के लिए खतरा है, उसको कोई बीमारी हो गई है जो रिकवर नहीं हो सकती है ना, उसके अलावा वो आप किसी भी प्रॉपर्टी को डैमेज कर सकता है, आपकी फसलों को नुकसान पहुंचा सकता है, तो इस केस में उस जानवर की हत्या की परमिशन दे दी जाएगी रिटेन में लिखकर, ठीक है? एक बहुत जरूरी बात, अब मान के चलो कि कोई वाइल्ड लाइफ एनिमल है, उसने आप पे अटैक किया है ना, वो शेर वेर ने, चीते वीते ने आप पे अटैक कर दिया, तो आप अपनी सेल्फ डिफेंस में तो गोली मार सकते हो। जब सेल्फ डिफेंस में एक इंसान दूसरे इंसान को मार मार सकता है, तो वाइल्ड एनिमल को भी मार सकता है, तो यही लिखा है इसमें।
किलिंग और वाउंडिंग इन गुड फेथ ऑफ एनी वाइल्ड एनिमल इन डिफेंस ऑफ वन सेल्फ और ऑफ एनी अदर पर्सन शैल नॉट बी एन ऑफेंस। खुद के या किसी दूसरे के जान की रक्षा के लिए, डिफेंस के लिए आप वाइल्ड एनिमल की हत्या कर सकते हैं या फिर उसको चोट पहुंचा सकते हैं, यही लिखा है इसमें। ये एक तरह का एक्सेप्शन है जनरल रूल का। और जो एनिमल मारा जाएगा, चाहे डिफेंस में चाहे परमिशन से चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की, वो किसकी संपत्ति होगा? गवर्नमेंट की। बहुत ऑब्वियस बात है। मूविंग फर्दर, अब 11 हमने पढ़ लिया कि जिसमें परमिशन दी जाती है वाइल्ड लाइफ वाइल्ड एनिमल को मारने की। 12 में भी अब सेक्शन 12 है, वो भी परमिशन की बात करता है। वो किन सर्कमस्टेंसेस में परमिशन दी जाएगी, वो थोड़े 11 से डिफरेंट होंगे। अब पढ़ते हैं, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन टू ग्रांट अ परमिट। ठीक है, अब 12 जो बात करता है, वो बात करता है कि कुछ ऐसे पर्पजेस के लिए किसी जानवर की आवश्यकता है जो कि ह्यूमन काइंड की बेनिफिट की बात हो, जैसे कि कुछ रिसर्च करनी है, एजुकेशन पर्पजेस के लिए किसी जानवर की बॉडी हमें चाहिए, है ना। तो ये परमिशन कौन देता है? चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। पर्पजेस क्या है? एजुकेशन, साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक मैनेजमेंट, कोई रिसर्च वगैरह करनी किसी जानवर पे, तो तब उस केस में परमिशन दे देता है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। उसके लिए भी रीजंस लेके लिखने पड़ेंगे और राइटिंग में परमिशन होगी वो। ठीक है, ये हो गए 11 और 12 जिनमें परमिशन दी जाती है। अब 3A जो बात करता है, वो स्पेसिफाइड प्लांट प्लांट्स की बात करता है। अब किसके प्रोटेक्शन की बात होगी? प्लांट्स के। ठीक है, 17A, किसी भी स्पेसिफाइड प्लांट को आप तोड़ नहीं सकते, उसको जड़ से उखाड़ नहीं सकते। ठीक है, अब क्या कहता है ये प्रोविजन? इसमें कई बातें हैं। बेसिक बात यह है कि बिना परमिट के आप किसी भी स्पेसिफाइड प्लांट को तोड़ नहीं सकते, जड़ से उखाड़ नहीं सकते। इतनी बात है इन जनरल, इस प्रोविजन में लिखी है। आगे पढ़ते हैं, नो पर्सन सेल विलफुली पिक डैमेज और एक्वायर, मतलब कोई भी व्यक्ति है वो किसी भी प्लांट को ना तो एक्वायर करेगा, ना तोड़ेगा, ना उसको कोई हानि पहुंचाएगा। एनी एरिया स्पेसिफाइड नोटिफिकेशन बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट ही वो एरिया स्पेसिफाई करेगी जहां से आपको इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं करनी है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ही ये स्पेसिफाई करेगी नोटिफिकेशन में कि कौन से वो स्पेसिफाइड प्लांट है जिसको आप तोड़ नहीं सकते, जिसको आप बेच नहीं सकते। इसका एक प्रोविजो है कि जो शेड्यूल ट्राइब के जो मेंबर्स हैं, ठीक है, वो बोनाफाइड पर्सनल यूज के लिए स्पेसिफाइड प्लांट को का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान के चलो कि एक कोई बस्तर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, बस्तर डिस्ट्रिक्ट में शेड्यूल ट्राइब के लोग रहते हैं, अगर वो स्पेसिफाइड प्लांट को अपने बोनाफाइड पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो अलाउड है। यही प्रोविजो है इस प्रोविजन का। ठीक है, 17A नंबर याद रखिएगा, बाकी ये सारी बातें याद रखिएगा, ये प्रोविजो याद रखिएगा, इसमें बिल्कुल सवाल बन सकता है यहां से। मूविंग फर्दर, आर्म्स एक्ट की कमेंसमेंट डेट क्या है? जल्दी चैट बॉक्स में बताइए, आर्म्स एक्ट की कमेंसमेंट डेट क्या है? इस तरह का थोड़ा बहुत रिवीजन चलता रहता है तो लगता है क्लास चल रही है। आर्म्स एक्ट की कमेंसमेंट डेट क्या है? जैसे हमने क्या समझा था कि वाइल्ड एनिमल्स की जो हंटिंग है वो कुछ एक सर्कमस्टेंसेस में अलाउड कर दी थी, इसी तरह से जो स्पेशल पर्पजेस के लिए ये जो अपरूटिंग है ना, तोड़ना उखाड़ना किसका? स्पेसिफाइड प्लांट्स का, ये अलाउड होता है। किन किन सर्कमस्टेंसेस में होता है उनको भी समझते हैं। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन में विद द प्रीवियस परमिशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट,
सबसे पहली बात, अब तक जो फैसला ले रहा था चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन वो खुद से ले रहा था, लेकिन अब जो फैसला ले रहा है वो किसकी प्रीवियस परमिशन से ले रहा है? स्टेट गवर्नमेंट की। स्टेट गवर्नमेंट की प्रीवियस परमिशन से चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन आपको परमिट दे सकता है। किसके लिए? स्पेसिफाइड प्लांट का इस्तेमाल करने के लिए। किन पर्पजेस के लिए? एजुकेशन, साइंटिफिक रिसर्च, प्रिजर्वेशन एंड डिसिप्लिन, हर्बेरियम, ठीक है, मतलब कुल मिला के जो भी साइंटिफिक स्टडी, एजुकेशन, इन सब पर्पजेस के लिए स्पेसिफाइड प्लांट को इस्तेमाल करने का आपको परमिट दिया जा सकता है। किसके द्वारा? चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के द्वारा, विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल स्टेट, विद द प्रीवियस परमिशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अदिति, एक आर्म्स एक्ट की, आर्म्स एक्ट की कमेंसमेंट डेट 1 अक्टूबर 1992 नहीं, 1962 है। 1 अक्टूबर 1962 है आर्म्स एक्ट की कमेंसमेंट डेट, नॉट 1992। या फिर हो सकता है आप गलती से 1962 ही कहना चाह रहे हो, लेकिन टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो। 1 अक्टूबर 1962 को कमेंस हुआ था आर्म्स एक्ट। मूविंग फर्दर, 17C बात करता है कल्टीवेशन ऑफ स्पेसिफाइड प्लांट्स विदाउट लाइसेंस प्रोहिबिटेड। स्पेसिफाइड प्लांट्स का जो कल्टीवेशन है वो भी आप नहीं कर सकते बिना लाइसेंस के। आप तोड़ना तो दूर की बात है, आप अगर उगाना भी चाहते हैं उसको, कल्टीवेट भी करना चाहते हैं, तो भी आप बिना लाइसेंस के नहीं कर सकते। हाँ, 1962 है वो डेट। ठीक है, तो अगर आपको कल्टीवेट करना है स्पेसिफाइड प्लांट का, तो किससे लाइसेंस लेना पड़ेगा? चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन और एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, इन दोनों में से किसी भी प्राधिकारी से आप लाइसेंस ले सकते हैं। ये हो गया 17C। अब कल्टीवेशन भी प्रोहिबिटेड है, और खरीदना और बेचना, डीलिंग इन स्पेसिफाइड प्लांट्स विदाउट लाइसेंस, ठीक है, आप खरीद और बेच भी नहीं सकते स्पेसिफाइड प्लांट्स को बिना लाइसेंस के। नो पर्सन एक्सेप्ट लाइसेंस ग्रांटेड बाय द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन और अदर एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो किसकी परमिशन लाइसेंस लेना पड़ेगा आपको? अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं स्पेसिफाइड प्लांट्स का, तो किसका लाइसेंस लेना पड़ेगा? लाइसेंस किससे? चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन और कोई भी अधिकारी, प्राधिकारी, कोई भी अधिकारी जिसको किसने ऑथोराइज किया है, स्टेट गवर्नमेंट ने। बस ये याद रखिएगा आप। ठीक है, ये एक तो नंबर भी इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर की जो मैंने बात बताई कि लाइसेंस की परमिशन लेनी किससे, वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी व्यक्ति को खरीदने हैं, नो पर्सन शैल परचेज, अगर किसी व्यक्ति को स्पेसिफाइड प्लांट खरीदने हैं, तो वो किससे खरीदेगा? लाइसेंस्ड डीलर से। जैसे कि हमें बंदूक खरीदनी है, तो हम किससे खरीदेंगे? जो लाइसेंस्ड आर्म डीलर है ना, जिसको भी लाइसेंस मिला है बंदूक बेचने का, उससे खरीद, सिर्फ उसी से खरीद सकते हैं। ऐसे ही स्पेसिफाइड प्लांट अगर आपको खरीदना है, तो आप किससे खरीदोगे? लाइसेंस्ड डीलर से, है ना। मूविंग फर्दर, एच, अगर कोई भी स्पेसिफाइड प्लांट है उसके रेस्पेक्ट में जो अगर कोई अपराध हुआ है, मान के चलो कोई बिना लाइसेंस के डीलिंग पर बिजनेस कर रहा था स्पेसिफाइड प्लांट का, या फिर स्पेसिफाइड प्लांट को तोड़ते हुए पाया गया है, या फिर कल्टीवेट करते हुए पाया गया है विदाउट लाइसेंस, तो वो एक अपराध होगा। और जो स्पेसिफाइड प्लांट पाए जाएंगे, है ना, जो जब्त किए जाएंगे किसी भी ऐसे पर्सन के पजेशन से, वो किसकी संपत्ति होगी? स्टेट गवर्नमेंट की। और अगर वो स्पेसिफाइड प्लांट कहां से एक्वायर किए गए थे, कहां से तोड़े गए थे, किसी सेंचुरी या नेशनल पार्क, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किसी एरिया को सेंचुरी या नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया है, और वहां से अगर आपने स्पेसिफाइड प्लांट तोड़े या उसकी चोरी की, तो वो
और आपके पजेशन से वो पाए गए, उसकी जब्ती हुई, तो वो प्रॉपर्टी किसकी हो जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है। अदर केसेस में वो किसकी प्रॉपर्टी होगी? स्टेट गवर्नमेंट की। एक सामान्य सी बात थी, है ना, कुछ ऐसी खास बात नहीं है, बस आपको मैंने एक बार बता दी है। आगे बढ़ते हैं। प्रोटेक्टेड एरियाज अभी हमने पढ़े थे। प्रोटेक्टेड एरियाज क्या क्या थे? नेशनल पार्क, सेंचुरीज, कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व, ये सारी बातें होंगी चैप्टर 4 में। सबसे पहले डिक्लेरेशन ऑफ सेंचुरी। अब इसमें एक, जब भी हम इसको पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में थॉट आता है कि ये जो सेंचुरी का जो डिक्लेरेशन होता है, सेंचुरी जो बनाई जाती है, वो सेक्शन 18 में बनाई जाती है। ये बात सही नहीं है, क्योंकि सेक्शन 18 से लेके 26A तक का जो प्रोसीजर है पूरा, है ना, वो हमें पहले समझना पड़ेगा। और असल में देखा जाए तो किसी भी एरिया को सेंचुरी डिक्लेयर किया जाता है, वो डिक्लेयर किया जाता है सेक्शन 26A में जाके। वहां तक पूरा प्रोसीजर इसको समझेंगे। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है समझना कि बाकी नेशनल पार्क का जो डिक्लेरेशन होगा वो भी इसी प्रोसीजर से गवर्न होगा। इसलिए इस प्रोसीजर को बड़े ध्यान से समझते हैं। यही एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, इसको समझने में थोड़ी दिक्कत आती है, बाकी बहुत आसान है। ये बताइए कि ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, वो मध्य प्रदेश में एमपी में किस डेट को कमेंस हुआ था? एविडेंस होगा 8 और 9 तारीख को। 8 और 9 तारीख को 2 दिन होगा एविडेंस एक्ट। ट्वेंटी फिफ्थ जनवरी 1973, नॉट 1972, ठीक है, 1973। हाँ, ये केस लॉ जो वाली बात है, इस पे हम चर्चा करेंगे एक बार, और पूरी कोशिश रहेगी कि जो इंपॉर्टेंट केस लॉस हैं वो भी कवर किए जाएं, ठीक है। अभी एक बात मैंने और बताई थी कि इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में टोटल शेड्यूल्स कितने हैं? अभी मैंने बताया था ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कितने शेड्यूल्स हैं? डिक्लेरेशन ऑफ सेंचुरी, चलो समझते हैं। स्टेट गवर्नमेंट चाहती है, ऐसा इंटेंशन करती है कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया को किसमें कन्वर्ट किया जाए? सेंचुरी में, ठीक है। ऐसा इंटेंशन है किसका? स्टेट गवर्नमेंट का। इसमें दो एक एरियाज हैं जिसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, रिजर्व फॉरेस्ट और टेरिटोरियल वाटर्स, इनको आप सेंचुरी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये कहता है ये प्रोविजन। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर इट्स इंटेंशन टू कॉन्स्टिट्यूट एनी एरिया अदर देन एन एरिया कंप्राइज विद इन एनी रिजर्व फॉरेस्ट और टेरिटोरियल वाटर एज अ सेंचुरी। किसी भी एरिया को क्या डिक्लेयर करना चाहती है? सेंचुरी, वो सिवाय किन एरियाज के? रिजर्व फॉरेस्ट और टेरिटोरियल वाटर्स, ठीक है। पर्पज क्या है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। ये सब जो पर्पज है वो एक ही है, घूम फिर के बाद वही आती है, प्रोटेक्ट क्या करना है? वाइल्ड लाइफ। अब जैसे मान के चलो कि एक पर्टिकुलर एरिया बता दिया, ठीक है, कि इस एरिया को स्टेट गवर्नमेंट क्या डिक्लेयर करना चाहती है? सेंचुरी। अब जैसे कि क्या होता है कि रेलवे की कोई लाइन है ना, रेलवे लाइन जब भी कंस्ट्रक्ट होती है तो कई बार कुछ लोगों की लैंड होती है, जो खेत होते हैं, उसके बीच बीच से रेलवे लाइन होके गुजरनी है। अब उसमें ये देखा जाएगा कि जिस भी पर्सन की जमीन एक्वायर करनी है, लैंड एक्वायर करनी है फॉर द पर्पजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन, तो उस पर्सन को कुछ कंपेंसेशन दिया जाता है ना। तो इसी तरीके से जब गवर्नमेंट किसी एरिया को सेंचुरी में कन्वर्ट करना चाहती है, डिक्लेयर करना चाहती है, तो वहां कुछ लोग अगर पहले से रह रहे हैं, किसी की लैंड है, तो उनके जो क्लेम्स होंगे उसका डिटर्मिनेशन भी तो जरूरी है। जो लोग पहले से किसी एरिया में रह रहे हैं उनके अधिकारों का जो अवधारण है, जो डिटर्मिनेशन है, वो भी तो आवश्यक है। तो बस उसी की बात होगी अभी इसमें।
अपॉइंटमेंट ऑफ कलेक्टर। अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2002 आया था, जिस डेट को इन्फोर्स हुआ था उसके 90 दिन के भीतर भीतर, है ना, या तो फिर ये जो नोटिफिकेशन आया है अभी सेक्शन 18 में, उसके 30 दिन के भीतर भीतर क्या करना है, कलेक्टर अपॉइंट करना है स्टेट गवर्नमेंट को। किस पर्पज के लिए, कि इंक्वायरी करेगा वो, डिटरमाइन करेगा कि कहीं किसी व्यक्ति का अधिकार तो नहीं है उस एरिया पर, जिस एरिया को स्टेट गवर्नमेंट सेंचुरी बनाना चाहती है। बस इतना समझ लीजिए कि अपॉइंटमेंट ऑफ कलेक्टर हो रही है 18B में। 19, कलेक्टर पहले ही बता दिए कि कलेक्टर को क्यों अपॉइंट किया जाता है, क्योंकि अधिकारों का डिटर्मिनेशन करेगा अभी वो, जो भी क्लेम्स आएंगे। बार ऑफ एक्रूअल ऑफ राइट्स, ठीक है, अगर किसी एरिया के संबंध में कोई नोटिफिकेशन सेक्शन 18 में इशू हो गया कि स्टेट गवर्नमेंट इसको सेंचुरी बनाना चाहती है इस एरिया को, उसके बाद कोई भी पर्सन उस एरिया में कोई जमीन एक्वायर नहीं करेगा, एक्वायर नहीं करेगा यानी कि खरीदेगा नहीं, अर्जित नहीं करेगा, सिवाय कैसे, कि अगर वो कोई भी प्रॉपर्टी उस पर्टिकुलर एरिया में जिसके रेस्पेक्ट में नोटिफिकेशन इश्यू हुआ है आपको बाय सक्सेशन मिली है, उत्तराधिकारी के तौर पे मिली है, ठीक है, बसियत या निर्बसियत, है ना, टेस्टामेंट्री और इंटेस्टेड अगर आपको मिली है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप पैसे देके कोई संपत्ति वहां नहीं खरीदोगे आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ दैट नोटिफिकेशन। कोई दिक्कत है यहां तक, कोई समस्या? ठीक है, तो यहां तक कोई ऐसा लग रहा हो आपको कि मैं स्लो चल रहा हूं, फास्ट चल रहा हूं, तो आप मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि देखो क्या होता है कि जो स्टूडेंट बाद में लेक्चर को देखते हैं वो तो अपने हिसाब से स्पीड रेगुलेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, कम ज्यादा, है ना, लेकिन लाइव में थोड़ा सा इशू रहता है इस बात को लेके, तो आप मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिएगा स्पीड से संबंधित अगर कोई भी आपको समस्या हो तो। ठीक है, प्रोक्लेमेशन बाय कलेक्टर। अब देखो कलेक्टर क्या करेगा, जो नोटिफिकेशन आया था सेक्शन 18 में उसके 60 दिन के भीतर क्या करेगा, जो रीजनल लैंग्वेज होगी किसी भी टाउन या विलेज की, जो भी नगर और गांव की जो रीजनल लैंग्वेज होगी, जो क्षेत्रीय भाषा होगी, उस भाषा में क्या करेगा, एक प्रोक्लेमेशन पब्लिश करेगा कि ऐसे ऐसे हम सरकार सोच रही है इस एरिया को सेंचुरी बनाने का, तो आपका कोई क्लेम हो इस संपत्ति, इस लैंड से, इस भूमि से संबंधित अगर आपका कोई क्लेम है तो मेरे पास ले आइए। ठीक है, कलेक्टर ये कहता है, उसके बाद जब कलेक्टर के पास क्लेम आएगा तो क्या करेगा, कलेक्टर इंक्वायरी करेगा कि हाँ भाई जो इंसान इस एरिया को, इस लैंड को क्लेम कर रहा है वो इसका राइट रखता है कि नहीं, अधिकारी है कि नहीं उस लैंड का, उसके बाद देखेगा कि हाँ अगर है तो कितना कंपेंसेशन देना चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ एक्वायरिंग लैंड ऑफ सच पर्सन, वो सब बातें इसमें लिखी गई हैं और कुछ नहीं है। इंक्वायरी करेगा कलेक्टर, एविडेंसेस कलेक्ट करेगा, उनका विश्लेषण करेगा, फिर कलेक्टर की पावर दी रखी है, वो पूरा जाके उस लैंड को, उस एरिया को सर्वे भी कर सकता है। ठीक है, पावर्स ऑफ कलेक्टर, ये नंबर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जो भी पावर्स वगैरह होती हैं उनके जो नंबर्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, शेड्यूल, हाँ टोटल 6 शेड्यूल हैं। एक्विजिशन ऑफ राइट्स, ठीक है, अगर आप आफ्टर इंक्वायरी अगर कलेक्टर को ये हो जाता है, अब धारण हो जाता है इस बात का कि कोई पर्टिकुलर पर्सन है वो उस एरिया में किसी लैंड का मालिक है, तो उसको कंपेंसेशन वगैरह देके वो एक्वायर कर लेगा कलेक्टर उस लैंड को फॉर दी पर्पजेस ऑफ सेंचुरी। ठीक है, एक टाइम लिमिट निर्धारित कर दी गई है कि जिस भी तारीख को नोटिफिकेशन आया था उस तारीख से 2 साल के भीतर भीतर ये सारी जो बातें हैं, है ना, उसका निपटारा किया जाएगा, पूरी कोशिश की जाएगी कलेक्टर के द्वारा कि वो 2 साल के भीतर भीतर जो भी क्लेम्स वगैरह हैं उनका डिटर्मिनेशन कर ले। नहीं कर पाते तो कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं है, पर करना 2 साल के भीतर ही भीतर है। जैसे मान के चलो 1 जनवरी 2020 को अगर नोटिफिकेशन आया है
सरकार का सेक्शन 18 के भीतर भीतर तो 2022 1 जनवरी 2022 तक कलेक्टर को पूरा प्रयास करना है कि इस जमीन से संबंधित जो भी विवाद है ना, उनका डिटर्मिनेशन हो जाए। ठीक है, अब 26A, इस प्रोविजन के भीतर ही किसी भी एरिया को सेंचुरी में तब्दील किया जा रहा है। अब मान के चलो कि ठीक है, ये बात तो हो गई एरियाज की। हमने दो बातें पढ़ी थी कि जो भी रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं और टेरिटोरियल वाटर्स होते हैं, उनको एक इन जनरली सेंचुरी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, किया जाता नहीं है। लेकिन सरकार चाहे कि भाई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए इन रिजर्व फॉरेस्ट और टेरिटोरियल वाटर्स के भी कुछ एरिया को सेंचुरी डिक्लेयर करना जरूरी हो गया है, तो उससे संबंधित कुछ बातों का, अगर सरकार ऐसा करना चाहती है, तो कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। कौन कौन सी वो बातें हैं? टेरिटोरियल वाटर्स का अगर कोई भी पार्ट आपको सेंचुरी में इंक्लूडेड करना है, तो आपको प्रायर कंकरेंस लेनी पड़ेगी किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट की। अब कंकरेंस का मतलब है सहमति लेनी ही पड़ेगी, कंसल्टेशन नहीं है या परामर्श नहीं है, कंकरेंस है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना कर दिया अगर कि टेरिटोरियल वाटर का कोई भी हिस्सा सेंचुरी में कन्वर्ट नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है, इतनी बात है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात है जो बताऊं आपको, उसकी जो लिमिट्स डिटरमाइन होगी कि कितना टेरिटोरियल वाटर का कितना हिस्सा है जिसको सेंचुरी में इंक्लूड करना है, वो एरिया किसके साथ डिटरमाइन होगा, किसके कंसल्टेशन के साथ? चीफ नवल हाइड्रोग्राफर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का चीफ नवल हाइड्रोग्राफर है, उसके कंसल्टेशन के बाद ही वो टेरिटोरियल वाटर का वो एरिया डिटरमाइन होगा जिसको इंक्लूड किया जाना है सेंचुरी में। ठीक है, कोई समस्या है यहां तक? आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही ज्यादा। नो ऑल्टरेशन ऑफ द बाउंड्री। अब सेंचुरी की, आप जैसे स्टेट गवर्नमेंट ने किसी भी एरिया को सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद उसके बाउंड्रीज में, उसकी सीमा में कोई भी परिवर्तन करना है, तो किसकी रिकमेंडेशन लगेगी? नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की रिकमेंडेशन के बाद ही उसकी बाउंड्रीज में ऑल्टरेशन होगा। ये सवाल सीधा सीधा यहां से सवाल बन सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है। रेस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री इन सेंचुरी। अब सेंचुरी में जो ऐसा तो है नहीं कि आपका मन जैसे मोहल्ले के पार्क में आप टहलते हुए चले जा रहे हैं, जैसे कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो आप उसमें पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं होता। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन से समझते हैं। रेस्ट्रिक्शन और एंट्री इन सेंचुरी 27 नंबर है, याद रखिएगा। कुछ कुछ एक लोग हैं जो सेंचुरी में एंट्री कर सकते हैं, वहां रह सकते हैं। कौन कौन वो व्यक्ति हैं? कोई भी पब्लिक सर्वेंट, फॉरेस्ट ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, कोई भी पर्सन जिसको किसने परमिट कर रखा है, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने, कोई भी व्यक्ति जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का मालिक है, कहाँ सेंचुरी के भीतर कोई भी प्रॉपर्टी उसका मालिक है। अब मान के चलो कलेक्टर ने, याद है उसमें जो डिटरमाइन किए थे अधिकार लोगों के, तो उसमें हो सकता है किसी पर्सन को वहां रहने का अधिकार मिल गया हो सेंचुरी के भीतर, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी होल्ड करने का राइट किसी पर्सन के पास अगर है, ठीक है, तो वो उसमें रह सकता है, उसकी कोई समस्या वाली बात नहीं है उसमें। पर्सन पासिंग थ्रू द सेंचुरी और अलोंग अ पब्लिक हाईवे। अब भाई कोई पब्लिक हाईवे है जिसका रास्ता सेंचुरी के बीच में से जाता है, तो कोई समस्या नहीं है, आप जा सकते हो। और डिपेंडेंट्स ऑफ पर्सन रेफर्ड इन क्लॉज ए बी सी, क्लॉज ए बी सी में जिन भी मैंने लोगों की बात की, उनके कोई आश्रित होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, कोई पब्लिक सर्वेंट वहां तैनात है, ड्यूटी पर है, उसके बच्चे हैं, वो भी जा सकते हैं सेंचुरी में, कोई समस्या वाली बात नहीं है। उसके कोई मिलने वाले हैं, रिश्तेदार है, वो भी जा सकते हैं। तो ये उसी की बात कर रहे हैं ना। वैसे यहाँ डिपेंडेंट शब्द का इस्तेमाल हुआ है तो रिश्तेदार उसमें नहीं आएंगे। डिपेंडेंट शब्द का मतलब है देखा जाए तो जो भी आश्रित है उस व्यक्ति पर, जैसे कोई फॉरेस्ट ऑफिसर होगा तो उसके बच्चे वगैरह हो गए, पेरेंट्स, वाइफ है ना, अगर कोई लेडी ऑफिसर है तो उसका हस्बैंड, तो इस इन लोगों का वहां जाना अलाउड है बिना परमिशन के। और जो भी व्यक्ति सेंचुरी में रह रहा है, ठीक है,
जो भी व्यक्ति सेंचुरी में रह रहा है कितने भी वक्त के लिए, वो इस बात का ध्यान रखे, कुछ कुछ उसकी ड्यूटीज हैं क्या, कि कोई भी अपराध होता है अगर सेंचुरी के भीतर तो उसका प्रिवेंट करने की वो पूरी पूरी कोशिश करेगा, ठीक है। और अगर उसको पता चलता है कि यार फलाने फलाने व्यक्ति ने अभयारण्य में सेंचुरी में कोई अपराध किया है, तो उसको पकड़वाने में पुलिस की मदद करेगा। अगर कोई वाइल्ड एनिमल मर गया है सेंचुरी के भीतर तो उसकी जानकारी भी देगा। तो ये है, कोई आग है, आग जल गई, कोई आग लग गई है किसी एरिया में, उसकी जानकारी देगा। इन्वेस्टिगेशन में ऑफिसर्स की मदद करेगा। ये जो भी पर्सन सेंचुरी में रहता है उसकी ये जिम्मेदारियां हैं, ये बाउंड है, ये ड्यूटीज हैं, है ना, ये उसको डिस्चार्ज करनी ही पड़ेंगी। ये समझ लिया हमने। अब परमिट की बात कर लेते हैं। परमिट काहे का, सेंचुरी में जाने का। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ग्रांट टू एनी पर्सन परमिट टू एंटर और रिसाइड इन द सेंचुरी, सेंचुरी में एंटर करने का और रहने का परमिट दे सकता है कौन? चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। अब किस पर्पजेस के लिए देगा, किन लोगों के लिए दे, किन लोगों को देगा, वो समझ लेते हैं। ये नंबर याद रखिएगा, ये परमिट वाला। अब मान के चलो किसी भी व्यक्ति को इन्वेस्टिगेशन करनी है, किसी भी अधिकारी को कोई ऑफेंस हुआ है सेंचुरी के भीतर, उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है, या फिर कोई वाइल्ड लाइफ स्टडी करना चाहते हैं, कोई भी पर्सन है ना, जो वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करना चाहता है, तो इस साइंटिफिक पर्पज हो गया, टूरिज्म पर्पज हो गया, इन सभी पर्पजेस के लिए सेंचुरी में जाने के लिए परमिट लगते हैं। देखो बहुत सिंपल सी बात है, सेंचुरी और नेशनल पार्क में सबसे एक बड़ा डिफरेंस ये भी है कि उसमें जो परमिशन होती है ना, जा उसमें एंटर करने की नेशनल पार्क में, वो आसान रहती है इन कंपैरिजन टू सेंचुरी। सेंचुरी में प्रवेश करने के लिए, एंट्री लेने के लिए आपको थोड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, इतनी आसानी से परमिशन नहीं मिलती। तो ये बताई गई है किन किन परिस्थितियों में आपको परमिशन मिल जाएगी। 28 में, 29 भाई, आप कुछ सेंचुरी में कोई तोड़फोड़ नहीं करोगे। तोड़फोड़ क्या मतलब है, कोई पेड़ पौधा सेंचुरी से ले जाना है ना, तो उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी आपको। लेकिन उसके कुछ प्रोविजो है वो समझते हैं। फॉरेस्ट प्रोड्यूस, अगर कोई सेंचुरी में या सेंचुरी के आसपास कोई भी व्यक्ति रह रहा है, वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस आग बाग जलाने के लिए, ईंधन के रूप में, है ना, फ्यूल के रूप में, कोई लकड़ी वकड़ी ले जाना चाहता है पर्सनल बोनाफाइड नीड्स के लिए, ना कि कमर्शियल पर्पज के लिए। अब कोई भी व्यक्ति है जो सेंचुरी में रह रहा है, उसके आसपास रह रहा है, आग वाग की जरूरत पड़ती है कि खाना वाना पकाने के लिए, तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस ले जा सकता है। ऐसा नहीं उसको अब ले जाके बेच दे लकड़ी को, ठीक है, तो उस केस में अलाउड है। 30 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आग वाग मत लगाइएगा आप सेंचुरी में। आपने एंट्री ले लिया, फिर आप वहां रह रहे हो, तो ध्यान रखिएगा इस बात का कि भाई गलती से भी आग वाग ना लग जाए, क्योंकि ये ऐसे डेलिकेट एरियाज हैं कि यहाँ आग लगी तो पूरे ही सेंचुरी को जला देगी फिर, तो इसलिए उसको पहले ही कह दिया है कॉजिंग फायर प्रोहिबिटेड। 31, हथियार लेके जाना मना है। नो पर्सन शैल एंटर इन टू अ सेंचुरी विथ एन वेपन एक्सेप्ट विद द परमिशन इन राइटिंग ऑफ द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन और द ऑथराइज्ड ऑफिसर। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन और ऑथराइज्ड ऑफिसर की परमिशन लेके ही आप हथियार लेकर सेंचुरी में प्रवेश कर सकते हैं, इतनी सी बात है बस, ठीक बा? कोई समस्या है यहां तक? नहीं होनी चाहिए। बहुत आराम आराम से पढ़ रहे हैं हम, एक ही चीज को समझते हुए चल रहे हैं। इसके बाद कुछ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कुछ ऐसी समस्या आएगी नहीं इस क्लास के बाद। अब आग में यही है कि किसी भी तरह का कोई केमिकल है, कोई एक्सप्लोजिव सब्सटेंस है, उसका इस्तेमाल नहीं करोगे जिससे वाइल्ड लाइफ को खतरा हो सेंचुरी में। बहुत सामान्य बात है, कुछ ऐसा अलग से नहीं है इसमें समझने का। कंट्रोल ऑफ सेंचुरी, ये इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल किसके हाथ में रहता है? चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के हाथ में रहता है। सेंचुरी का जो कंट्रोल है, मैनेजमेंट है, कौन संभालता है? चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, ठीक है। अब भाई
कोई भी, जैसे होता नहीं कि सेंचुरी वगैरह में होटल बनते हैं, लॉजिस बनते हैं टूरिस्ट पर्पजेस के लिए, उसमें क्या होगा, आपको क्या लेनी पड़ेगी, प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा नेशनल बोर्ड का। कोई भी आपको कंस्ट्रक्शन करना है, कोई भी लॉज बनाना है, होटल बनाना है सेंचुरी के भीतर, तो आपको प्रायर अप्रूवल किसका लेना पड़ेगा, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ठीक है, थोड़ा ध्यान से चीजों को पढ़ते चलिएगा। एक छोटा सा मैं 5 से 10 मिनट का कुछ क्विक रिवीजन रैपिड फायर राउंड लूंगा इसके बाद, इस सेशन के बाद, तो आप थोड़ा ध्यान से इन प्रोविजंस को देखते चलिएगा, समझते चलिएगा। ये हो गया 34, रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन पर्सन इन पोजेशन ऑफ आर्म्स। अगर मान के चलो कि आप सेंचुरी में रह रहे हो, या फिर सेंचुरी के आसपास 10 किलोमीटर के दायरे में अगर आप रहते हो, तो कोई भी एरिया जिस तारीख को डिक्लेयर हुआ है एज अ सेंचुरी, उसके 3 महीने के भीतर कोई भी एरिया जिस भी तारीख को सेंचुरी में कन्वर्ट हुआ है, उस तारीख के 3 महीने के भीतर भीतर अगर आप सेंचुरी में रह रहे हैं, उसके 10 किलोमीटर के दायरे में रह रहे हैं, ठीक है, और आप कोई भी हथियार होल्ड करते हो आर्म्स एक्ट के भीतर, तो या फिर आप हथियार होल्ड करते हो जिसके लिए आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, मान के चलो आप आधिकारिक पोस्ट पे हो तो आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं है वेपन होल्ड करने के लिए, तो किसी भी स्थिति में अगर आप वेपन होल्ड करते हो, तो आपको उस वेपन के रेस्पेक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा कि हाँ मैं ऐसा एक, मेरे पास जो वेपन है उसको मैं होल्ड करता हूं, उसका मेरे पास लाइसेंस है, या फिर जैसे भी आप होल्ड करते हो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा आपके नाम का। किसके पास जाओगे आप रजिस्ट्रेशन कराने, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन और ऑथराइज्ड ऑफिसर। आप लिखवाओ के आओगे कि ये हमारे पास है, ये मौजर है ना, ये दुनाली बंदूक हम होल्ड करते हैं, ये पिस्टल है हमारे पास, रिवॉल्वर है, जो भी है आप रजिस्टर करवा के आओगे अपने नाम और हथियार के साथ पूरा बता के वहां, किसको, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन और ऑथराइज्ड ऑफिसर को। और एक और इम्पोर्टेंट बात, कोई भी व्यक्ति जैसे ही ये नोट, अब अभी तक हमने क्या पढ़ा कि वो किसी भी एरिया को सेंचुरी में कन्वर्ट करने के से पहले आपके पास कोई वेपन था, लेकिन जिस दिन अगर कोई एरिया कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, सेंचुरी में, तो उसके 10 किलोमीटर के दायरे में आप कोई न्यू लाइसेंस नहीं, किसी पर्सन को नया लाइसेंस नहीं मिलेगा किसी अधिकार का, किसी भी वेपन का, बिना चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की कंक्रेंस के, बिना कोई भी नया लाइसेंस इशू नहीं होगा। मान के चलो आज के दिन किसी भी एरिया को सेंचुरी डिक्लेयर किया गया है, तो अब अगर किसी भी पर्सन को आर्म्स का लाइसेंस इशू तभी होगा जब प्रायर कंक्रेंस ले ली जाएगी, किसकी, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की। बस इतनी बात है, आगे बढ़ते हैं। अब भाई पावर टू रिमूव एनक्रोचमेंट, अब कहीं भी क्या हो गया है, अतिक्रमण हो गया है, अतिक्रमण को हटाने की शक्तियां किसके पास है, एनी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। पोस्ट याद रखिए, एनी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, इस पद का या फिर इससे उच्च किसी पद का अधिकारी अगर है, तो एविक्ट एनी पर्सन फ्रॉम अ सेंचुरी या नेशनल पार्क। नेशनल पार्क या सेंचुरी में कोई भी अतिक्रमण करता है, एनक्रोचमेंट कर सकता है, तो उसको क्या करेगा, भगा देगा, एविक्ट कर देगा। कोई भी बिल्डिंग वगैरह बना दी है सेंचुरी नेशनल पार्क में, तो वो कॉन्फिस्केट हो जाएगी, बहुत सामान्य बात है, एनक्रोचमेंट का ये प्रोसीजर है। ऑथोरिटी का नाम याद रखिएगा बस, नेशनल पार्क्स। अब भाई देखो, हमने 28 से हमने अभी देखा 28 से लेके कहाँ तक पढ़ा था ये प्रोसीजर इसका, 18 से लेके 26A तक पढ़ा था, सेंचुरी को कैसे डिक्लेयर किया जाता है उसका प्रोसीजर, वो सेम प्रोसीजर नेशनल पार्क में अप्लाई होगा। मैंने कहा कहता अगर सेंचुरी वाला प्रोसीजर समझ लिया तो ये सब आसान हो जाएगा। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट किसी भी एरिया को क्या कर सकती है, नेशनल पार्क में
एरिया को कन्वर्ट करना चाहती है ना, अब मान के चलो पर्पज वही रहता है, देखो अलग अलग तरीके हैं, पर्पज एक ही है, ऑब्जेक्टिव एक ही है, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। अगर स्टेट गवर्नमेंट मन बनाती है किसी भी एरिया को नेशनल पार्क में कन्वर्ट करने का, डिक्लेयर करने का, तो अब होगा क्या? वो सेम प्रोसीजर रहेगा जो अभी हमने सेंचुरी का पढ़ा था, वो कुछ नहीं है, सारी बातें वही हैं जो अभी हमने पढ़ी हैं सेंचुरी वाले प्रोसीजर में, कुछ नहीं है उसके अलावा। वही सेम बात पढ़ी थी हमने कि सेंचुरी डिक्लेयर होने के बाद अगर उसकी बाउंड्रीज में कोई परिवर्तन होता है, ऑल्टरेशन होता है, तो रिकमेंडेशंस किसकी लगेगी? नेशनल बोर्ड की, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की। वही सेम बात है, कुछ नहीं है इसमें एक्स्ट्रा। ये प्रोविजन का नंबर याद रखिएगा बस, क्या प्रोविजन का नंबर था? 35, बस। बाकी प्रोसीजर वही चलेगा जो अभी सेंचुरी का था, सेक्शन 18 से लेके 26A तक। आगे बढ़ते हैं, डिक्लेरेशन मैनेजमेंट ऑफ कंजर्वेशन रिजर्व। हमने देखा था प्रोटेक्टेड एरिया में चार बातें पढ़ी थी, नेशनल पार्क, सेंचुरी, कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व। दो तो हमने अभी पढ़ लिए, सेंचुरी और नेशनल पार्क। अब क्या पढ़ते हैं? कंजर्वेशन रिजर्व। देखो कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व, ये दो जो जो चीज है, जो दो कॉन्सेप्ट हैं, उसमें क्या होता है कि कम्युनिटी का, लोगों का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है। उसको समझते हैं कैसे। देखो अब कंजर्वेशन जो रिजर्व होते हैं वो नेशनल पार्क और सेंचुरी के आसपास की कुछ जगह होती हैं, जहां एक बहुत ज्यादा मात्रा में जो लोग रह रहे होते हैं, कुछ कम्युनिटीज रह रही होती हैं, तो उनके साथ कंसल्ट करके स्टेट गवर्नमेंट उन एरियाज को कंजर्वेशन रिजर्व में कन्वर्ट करती है, ठीक है। तो ये जो एरिया जो रहते हैं वो प्रॉपर्टी किसकी होती है? गवर्नमेंट की होती है। देख जो कंजर्वेशन रिजर्व जिस एरिया को कन्वर्ट करना है वहां प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है, वहां लोग कौन रह रहे थे? बाकी कुछ लोग, वहां कुछ कम्युनिटीज रह रही थी, कुछ नहीं, उनसे कंसल्ट करेंगे। अगर वो एरिया है जिसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं कंजर्वेशन रिजर्व में, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, अगर उस एरिया का कुछ हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर कंकरेंस लगेगी, सहमति लगेगी, बस। बहुत साधारण बात है, नंबर याद रखिएगा। और ये कंटेंट थोड़ी सी, कुछ बातें कौन डिक्लेयर करता है, किसकी प्रायर कंकरेंस चाहिए, कब चाहिए, वो इंपॉर्टेंट, 36A, ठीक है। डिक्लेरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिटी रिजर्व। अब ऐसे ही मैंने क्या बताया, कम्युनिटी रिजर्व वो एरिया होते हैं जो किसके होते हैं? आम जनता के, सरकार के नहीं होते। अब मान के चलो कुछ ऐसे जागरूक कम्युनिटीज होती हैं जो जिनको पता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का कितना बड़ा महत्व है, तो वो क्या अपनी जमीन किसके लिए दे देती है? कम्युनिटी रिजर्व बनाने के लिए, इसीलिए तो उसका नाम लिखा है कम्युनिटी रिजर्व, है ना। तो वो अपनी जमीन दे देती है किस पर्पज के लिए? कि भाई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को प्रमोट करने के लिए अपनी जो प्रॉपर्टी है, लैंड वगैरह है, वो दे देती है सरकार को। तो उसी को गवर्नमेंट क्या करती है? डिक्लेयर कर देती है कम्युनिटी रिजर्व। ये नंबर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 38 प्रोविजन आता है। अब तक हम क्या देख रहे थे कि स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर रही थी, चाहे नेशनल पार्क हो चाहे सेंचुरीज हो, है ना। अब 38 में क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर से डील करेगा कि किसी भी एरिया को सेंचुरी और नेशनल पार्क डिक्लेयर करने की जो पावर होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी होती है, यही बताता है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट ने अगर कोई भी संपत्ति ट्रांसफर कर दी है, किसको? लीज पे दी है, फिर ऐसे ही ट्रांसफर कर दी है, किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। और सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि सेक्शन 18 के भीतर की जो भी कंडीशंस हैं वो फुलफिल्ड हो रही हैं, यानी कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि जो एरिया उसके पास है ना, वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए उसको सेंचुरी या नेशनल पार्क में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर देगी, बस। यही बात इसमें लिखी है, प्रोविजन में कुछ खास बात नहीं है। ये नंबर याद रखिएगा, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर एरिया सेंचुरीज और नेशनल पार्क, ये बिल्कुल नंबर पूछा जा सकता है। बाकी बहुत सामान्य बात है जो अभी मैंने आपको बताई।
अगला जो चैप्टर है 4A, ये बात करता है सेंट्रल जू अथॉरिटी एंड रिकॉग्निशन ऑफ जूस। अब जू चिड़ियाघरों की बात करेगा, कुछ नहीं है इसमें, एक आध अथॉरिटी का नाम बताऊंगा बस, और कुछ नहीं है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल जू अथॉरिटी, ये नंबर इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल जू अथॉरिटी बनाएगी, है ना। सेंट्रल जू अथॉरिटी किस कौन कौन होगा, एक चेयरपर्सन होगा, कुछ एक मेंबर्स होंगे, मैक्सिमम कितने 10 मेंबर हो सकते हैं, और एक मेंबर सेक्रेटरी होगा। ये कंपोजिशन है किसका, सेंट्रल जू अथॉरिटी का। सेंट्रल जू अथॉरिटी में कौन कौन रहेगा, चेयरपर्सन, मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं 10 मेंबर, सेक्रेटरी होगा, और अपॉइंट कौन करेगा इन सबको, सेंट्रल गवर्नमेंट। बस इतनी बात है, नंबर सेंट्रल गवर्नमेंट, अथॉरिटी मेंबर्स, बस यही याद रखना है। टर्म ऑफ ऑफिस एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स। अब बहुत ही इसमें एक बारीकी भरी बात है कि जो चेयर सेंट्रल जो अथॉरिटी का जो चेयरपर्सन था और मेंबर थे, उनका मैक्सिमम एक ड्यूरेशन बता दी कि वो 3 साल तक ही ऑफिस होल्ड कर सकते हैं। मैक्सिमम ड्यूरेशन 3 साल का रहेगा, किनका, चेयरपर्सन और मेंबर का, मेंबर सेक्रेटरी का नहीं, चेयरपर्सन और मेंबर का। कितना पीरियड रहेगा ऑफिस का, जो टर्म रहेगा, नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स। इतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता, बस मैंने आपको एक बार बता दिया है, मेरे हिसाब से उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ये सवाल बनने का चांस नहीं लगता मुझे यहां से। ठीक है, फंक्शंस ऑफ अथॉरिटी नंबर देख लीजिएगा, 38C में दिया है, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल जू अथॉरिटी, वही फंक्शंस होते हैं, जो भी चिड़ियाघर होते हैं उनको रेगुलेट करना, यही सब बातें, और कुछ नहीं है इसमें। रिकॉग्निशन ऑफ जूस, कौन रिकॉग्नाइज करेगा, सेंट्रल जू अथॉरिटी, नो जू शैल बी ऑपरेटेड विदाउट बी रिकॉग्नाइज बाय द अथॉरिटी। सवाल पूछा जाएगा कि जो चिड़ियाघर होते हैं, जूस होते हैं, उनको कौन करता है रिकॉग्नाइज, सेंट्रल जू अथॉरिटी। सेंट्रल जू अथॉरिटी को अपॉइंट कौन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, कौन कॉन्स्टिट्यूट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, बस यही है इसमें। नो, अगर जो अथॉरिटी है सेंट्रल जू अथॉरिटी है, वो मना कर देती है, या तो किसी किसी भी जू को रिकॉग्नाइज करने से मना कर देती है, या फिर उसके लाइसेंस को रिन्यू करने से मना कर देती है, सस्पेंड या कैंसिल कर देती है रिकॉग्निशन को, तो अपील कहाँ जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, क्योंकि सेंट्रल जू अथॉरिटी का अपॉइंट किसने किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अगर कुछ भी वो ऐसी बात करती है सेंट्रल जू अथॉरिटी, आपका रिकॉग्निशन, आपको रिकॉग्नाइज नहीं करती है एज अ जू, कैंसिल कर सस्पेंड कर देती है, कैंसिल कर देती है रिकॉग्निशन को, तो अपील जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। समय सीमा कितनी है अपील की, 30 दिन, बाकी 30 दिन के बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट सुन सकती है आपको, अगर आपने सफिशियंट कॉज बता दिया तो। एक सामान्य सा प्रोसीजर बता दिया, इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि यहां से सवाल बने, है ना। एक्विजिशन ऑफ एनिमल्स बाई अ जू, कुछ खास बात नहीं है, इसको हटा सकते हैं। हाँ, ये 38J बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका आगे जाके पनिशमेंट भी दिया है। अब भाई जब भी हम जाते हैं जू वगैरह में, चिड़ियाघर में, तो क्या अपने यहाँ जनता की बड़ी आदत है कि वो पूरी कोशिश करती है कि जानवरों का ध्यान उनकी तरफ केंद्रित हो जाए, मतलब जानवर सिर्फ उन्हें ही देखें, है ना। और उसके बाद केला खा लिया तो केले का छिलका वहीं फेंक दिया, है ना। उनको समझ नहीं आ रहा है कि भाई ये पूरी लिखे गए हैं, वहां नोटिस बोर्ड पे भी लिखा गया, अलग अलग पर्ची भी चिपके हैं कि भाई साफ सुथरा रखें चिड़ियाघर को, तब भी आदत है, कुछ बिस्किट खाया तो वहीं रैपर फेंक दिया, है ना। पूरी कोशिश करेंगे कि भाई आज तो जितने वो जानवर हैं वो हमारा लाया हुआ भोजन ही खाएं, है ना। वो तो बहुत शेर के सामने सब चीजें नहीं करते, बाकी जानवरों को बहुत कोशिश करते हैं कि भाई केले लाए हैं तो खा ले वो, है ना। ये सब मना है, कर नहीं सकते आप, ना आप जानवरों को परेशान कर सकते हैं, ना ही किसी तरह की कोई उन्हें खाना खिला सकते, अपने हाथ से लाया हुआ, अपने यहाँ से, कोई आवाज नहीं कर सकते, गंदगी नहीं कर सकते। क्या गंदगी करना, तो क्या है हमारी फितरत में है, थोड़ा सा
साफ सुथरी जगह हमें हमारी जनता को पसंद ही नहीं आती है ना, तो वो नहीं होता रेलवे रेलवे की बोगी में बैठे हैं और वो समोसे की प्लेट आती है, समोसा खाने के बाद उसको जनता ऐसे उड़ा के फेंकती है। तो इसीलिए लिख दिया पहले से भाई, गंदगी वंदगी मत करना, जूमा जा रहे हो थोड़ा, जानवरों को देख के जा रहे हो, जानवर तुम में से इंसानियत एक्सपेक्ट करते हैं, इंसानों जैसी हरकत तुम्हारा अलग ही चल रहा है, तो ये सब मत करिएगा। सजा होती है, सजा क्या होती है आगे बताएंगे, ठीक है? नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, जानते रहिए। अब 4B, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। डेफिनेशन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, नंबर इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी L38L में होती है। कौन करती है कॉन्स्टिट्यूट? सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करती है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, बस इतनी बात है, कुछ नहीं है इतना। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी कुछ नहीं है, वही फंक्शंस हैं कि भाई टाइगर्स का कंजर्वेशन होना है, प्रोटेक्शन होना है ना? इंदौर, इंदौर की बात हो रही है मुझे ऐसा लग रहा है। सिक्स टाइम क्लीन सिटी तो इंदौर ही है, ठीक है? तो टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की पावर फंक्शन से नंबर याद, कुछ मुझे नंबर याद रख लीजिएगा, बाकी बहुत सामान्य बातें, कुछ आने का यहां से सवाल है नहीं। आगे बढ़ते हैं। एनुअल रिपोर्ट, टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने क्या काम काज किया है, जिसको जो काम दिया है उसने कितने ईमानदारी से किया है, उसकी रिपोर्ट सबमिट करेगी किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। इतना याद रखिएगा, एनुअल रिपोर्ट सबमिट करती है टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसी के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की है। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण बात। स्टेट गवर्नमेंट टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के रिकमेंडेशन पे, अनुशंसा पे क्या करेगी? किसी भी एरिया को टाइगर रिजर्व घोषित करेगी। कौन? स्टेट गवर्नमेंट। किसकी रिकमेंडेशन पर? टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की रिकमेंडेशन पर किसी भी एरिया को टाइगर रिजर्व घोषित करेगी, ये बात याद रखिएगा। हाँ, कुछ कुछ ही सिटी हैं वो साफ सुथरी हमारे देश में, बाकी क्या जनता को पसंद नहीं है साफ सुथरा? घर, अपने घर के अलावा जहां भी साफ सुथरी जगह मिल गई तो बड़ी दिक्कत होने लगती है कि यहां की जो होने वाली गंदगी में हम अपना कंट्रीब्यूशन ना दें, मजा ही नहीं आएगा फिर। ऐसे इंदौर का एग्जाम्पल देश के बाकी जो शहर हैं उनको अपनाना चाहिए। मतलब क्या ही जगह है यार, मतलब 6 बार से क्लीन सिटी का अवार्ड। अच्छा, ये सिर्फ सिर्फ लोगों की जागरूकता बहुत जरूरी है, मतलब सरकार एडमिनिस्ट्रेशन तभी अच्छा चल सकता है जब लोग खुद से जागरूक हैं, उसके बाद ही। ऑल्टरेशन एंड डी नोटिफिकेशन ऑफ टाइगर रिजर्व। अब भाई टाइगर रिजर्व की बाउंड्रीज है, उसको आपको ऑल्टर करना है। जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर तो कर दी सेंचुरी, लेकिन अगर उस सेंचुरी की बाउंड्रीज में ऑल्टरेशन करना है तो किसकी रिकमेंडेशन लगती है? नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, यही नेशनल पार्क के साथ होता है। यहां भी ऐसा ही कुछ है। नो ऑल्टरेशन इन द बाउंड्रीज ऑफ टाइगर रिजर्व शैल बी मेड एक्सेप्ट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एंड द अप्रूवल ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। अगर टाइगर रिजर्व की बाउंड्रीज में ऑल्टरेशन करना है तो रिकमेंडेशन किसकी लगेगी? टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की, और अप्रूवल किसका लगेगा? नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का। यही बात है, इसको याद रखिएगा। बॉस बहुत सिटीज हैं इस तरह की, तो मतलब साफ सुथरी सिटीज तो एक्सेप्शन मानी जाती हैं अपने यहाँ। हमने कहीं नहीं होता ऐसे, लोग अपने घरों में रहते हैं और वहीं से मान के चलो कुछ कुछ भी ऐसा पैकेट से बना के, अगर उनके पास जो भी गार्बेज है उसका पैकेट से बना के वहीं से खिड़की में से फेंकते हैं सड़क पे, थ्रो बना के प्रॉपर। तो अब ये तो जनता है देश की।
ऑल्टरेशन, ठीक है, तो ये समझ लिया हमने ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज। अब किसी टाइगर रिजर्व को डीनोटिफाई करना है, ठीक है, किसी टाइगर रिजर्व को डिसकंटिन्यू करना है कि अब से ये टाइगर रिजर्व नहीं रहेगी। अगर ऐसा स्टेट गवर्नमेंट करना चाहती है तो वो कब करेगी? सबसे पहले तो पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए, दूसरी बात अप्रूवल किसका लगेगा, टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का, दोनों का अप्रूवल चाहिए। पहली शर्त क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट। दूसरा टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की क्या अप्रूवल, ठीक है, अनुमोदन चाहिए तब। हाँ फाइन फाइन वाइन ही लगे तभी जनता में सुधार आ सकता है। अपने देखो अपने मन से कुछ नहीं कर सकते, फाइन जब तक फाइन नहीं लगेगा कि भाई कहीं भी मन करा तो कहीं भी थूक दिया बीच सड़क पे, है ना, कुछ भी खाया उसका रैपर कहीं भी हवा में उड़ाते हुए जा रहे हैं, बोलो जवा केसरी, तो वो फाइन वाइन नहीं लगेगा जब तक नहीं जनता मानेगी। अब कितनी ही मोरलिटी के पाठ पढ़ाते रहिए कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बढ़ते हैं, ये समझ लिया हमने एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन। अब भाई जो पैसे वैसे की जरूरत पड़ेगी, है ना, कि जो कंजर्वेशन करना है टाइगर्स का, उसके लिए पैसे वैसे की जरूरत, उसके लिए टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन बनाएगी सरकार। स्टेट गवर्नमेंट शैल एस्टेब्लिश अ टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन फॉर टाइगर रिजर्व्स, ठीक है, कुछ नहीं है, ये नंबर याद रखिएगा और ये याद रखिएगा कि बनाता कौन है स्टेट गवर्नमेंट। बस भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ टाइगर एंड अदर इंडिजेंट स्पीसीज क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। अब भाई ये भी देख लो, क्राइम कंट्रोल ब्यूरो बनाया जाएगा, टाइगर या फिर जो भी विलुप्त होने वाली प्रजातियां हैं उनके संरक्षण के लिए क्या बनाया जाएगा, क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूट अ टाइगर एंड अदर इंडेंजर्ड स्पीसीज क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, जिसको क्या कहेंगे, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के नाम से जाना जाएगा। बनाएगी कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। जो भी ऑफेंसेस वाइल्ड लाइफ के खिलाफ होते हैं उन सब में, उन सबको रेगुलेट कौन करेगी, है ना, कौन करेगी, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। इसमें हमने एक पोस्ट पढ़ी थी, कौन से प्रोविजन में, सेक्शन 3 में एक पोस्ट पड़ी थी, डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन। डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन ही एक्स ऑफिसियो डायरेक्टर होगा, किसका, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल बोर्ड, क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। अब एक्स ऑफिसियो कौन होता है, बाय द वर्च्यू ऑफ ऑफिस, जैसे कि हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं, किसके, राज्यसभा के, ऐसे ही यहां डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन होंगे वो डायरेक्टर एक्स ऑफिशियो होंगे, किसके, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के। मतलब ऐसे कुछ डिमार्केशन नहीं है कि क्वेश्चंस कहाँ से कितने आएंगे, बस ये है कि एक हम अंदाजा लगा सकते हैं किसी भी एक्ट की इंपॉर्टेंस के हिसाब से। जैसे कि मेजर एक्ट्स होते हैं उनसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, माइनर एक्ट से उतने नहीं बनते हैं, है ना, बट ये कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है कि ऐसा ही होगा, ठीक है। अपने हिसाब से हम अपनी प्रिपरेशन, हर एक एक्ट को अच्छे से रिवाइज करें, उसकी तैयारी करें, बस ये देख लें कि कुछ कुछ बातें हैं जो हमें देखनी पड़ेंगी, कौन सी ऐसी बातें वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उनको पहले तो हटाना पड़ेगा, और जो बातें ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उनको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि सारी बातों का याद रखना, याद करके रखना संभव नहीं होता है। और यही गलती होती है कि हम जब आखिरी मोमेंट में, जब लास्ट मोमेंट में कुछ एक दिन बचते हैं एग्जाम में, जब रिवीजन करते हैं तो बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और हमारा जो स्कोर है वो भी बिगड़ता है, ऑब्जेक्टिव जब क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो चीजें फिल्टर करके रखिए क्या क्या हमें छोड़ना है। देखो कुछ चीजों का रिस्क तो लेना ही पड़ता है कि यार इस पोर्शन को नहीं पढ़ के जाएंगे, यहाँ से सवाल बनने के चांसेस कम है, अब बन गया तो आपकी किस्मत खराब है ना, तो इतना तो रिस्क लेना पड़ेगा, उस हिसाब से तैयारी कीजिए। मेरे मतलब मेरा ओपिनियन ये है। ये हो गई आपकी बात। अब पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, तो वही पावर्स होते हैं कि
पूरा एक, जैसे नहीं होता कि पूरा एक रिकॉर्ड्स बना के रखना है ना, कि कौन कितने अभी तक कुछ अपराध हुए हैं क्या किसी भी सेंचुरी या नेशनल पार्क से संबंधित, कोई ऐसा पर्सन है जो बार बार अपराध करता है, कोई ऐसी गैंग है जो इस तरह की हंटिंग और ये सब प्रोसेस में रहती है ना, ये सारी बातों का एक पूरा रिकॉर्ड तैयार करके रखेगा क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। वाइल्ड एनिमल्स, ट्रेड ऑफ कॉमर्स इन वाइल्ड एनिमल्स, एनिमल्स आर्टिकल्स एंड ट्रॉफीज। अब आप वाइल्ड एनिमल्स में कोई ट्रेड करते हो है ना, बिजनेस करते हो, व्यापार करते हो जानवरों का, जानवरों की चमड़ियों का, उनके है ना हड्डियों का, हाथी के दांतों का, इस तरह का आप कोई ट्रेड कॉमर्स करते हो तो उसके बारे में ये। अगर कोई भी जानवर है जो मारा जाता है ना, कोई भी जानवर है जो या तो लीगली मारा जाता है या फिर इलीगली मारा जाता है, कोई भी ऐसा प्लांट है जो इलीगली तोड़ा जाता है ना, तो अगर उसको कोई क्लेम नहीं करता है, या फिर जो भी वेपन्स हैं, जो भी व्हीकल हैं, वो इलीगल पर्पजेस के लिए इस्तेमाल होते हैं, चाहे तो वाइल्ड एनिमल की बात हो जाए या स्पेसिफाइड प्लांट्स की, तो वो सब किसकी प्रॉपर्टी मानी जाएगी? गवर्नमेंट की। ठीक है, यही बात कर रहा है इसमें, शैल बी द प्रॉपर्टी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। और अगर कोई एनिमल की हंटिंग हुई है किसी सेंचुरी या नेशनल पार्क में जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था, यानी सेक्शन 38 के अंदर किसी भी एरिया को सेंचुरी या नेशनल पार्क सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर किया है, उसके संबंध में किसी जानवर वगैरह की हत्या होती है ना इलीगली, या फिर उससे संबंधित कोई भी एनिमल आर्टिकल या ट्रॉफी मिलती है, तो वो किसकी संपत्ति होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट की, अन्यथा स्टेट गवर्नमेंट की संपत्ति होगी। बहुत सामान्य सी बात है, मान के चलो कोई चोरी की संपत्ति हो गई, अगर उसको कोई क्लेम नहीं करता है, वो किसी की संपत्ति नहीं है, तो वो संपत्ति किसकी होगी? सरकार की। तो यहां भी उन जानवर वगैरह, अब वो वाइल्ड एनिमल्स हैं तो वो किसी के इंसान के पालतू जानवर तो है नहीं है ना, हाउस होल्ड पर्पजेस के लिए इस्तेमाल तो होते नहीं है, तो वो अगर मिलते हैं इस तरह के जानवर या उनसे संबंधित कोई भी आर्टिकल, तो वो सरकार की संपत्ति होती है, वो सामान्य बात है। और कुछ नहीं है इसमें ऐसा जानने लायक। डिक्लरेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान के चलो कि ये एक्ट कमेंस नहीं हुआ था, उससे पहले किसी पर्सन के पास वाइल्ड एनिमल है या फिर वाइल्ड एनिमल का कोई भी आर्टिकल है, ट्रॉफी है, तो उस पर्सन को डिक्लेरेशन देना है। जैसे कि समझते हैं कोई भी व्यक्ति है, इस एक्ट के कमेंसमेंट से के पहले से अगर उसकी कस्टडी में या पजेशन में कोई भी कैप्टिव एनिमल है शेड्यूल 1 या फिर शेड्यूल 2 के पार्ट 2 में दिया गया कोई भी कैप्टिव एनिमल उसके पजेशन में है, या फिर उस एनिमल से संबंधित कोई भी आर्टिकल उसके पजेशन में है या कंट्रोल में है, तो वो इस एक्ट के कमेंस होने की डेट के 30 दिन के भीतर भीतर किसको इन्फॉर्म करेगा? चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन या फिर ऑथराइज्ड ऑफिसर, कि भाई मेरे पास ये जानवर है या फिर जानवर से संबंधित आर्टिकल है, उसकी जानकारी 30 दिन के भीतर किसको देगा? इस एक्ट के कमेंस होने के 30 दिन के भीतर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन या फिर किसी और ऑथराइज ऑफिसर को उसकी जानकारी देगा। ठीक है, यही बात है इसमें। हाँ ऋचा, बस वही है कि आप थोड़ा बस इन्हीं बातों का ध्यान रखिए, और कुछ नहीं है। सारा कुछ हम याद करके नहीं जा सकते, मतलब बहुत एक लॉजिकल बात है ये। मतलब जब हम कोई एक एक्ट पढ़ते तो हमें लगता है इसके तो सारे के सारे हमें प्रोविजन याद याद कर लेंगे, याद कर भी सकते हो आप, लेकिन सवाल ये है कि आपको एक तो लंबे समय के लिए याद रखना है, और आपके पास 32 एक्ट हैं
एक एक्ट नहीं है, उसके बाद आपको इस बात जीके भी है, तो कहीं ना कहीं आपको स्मार्टनेस, स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी अगर इस एग्जाम को क्रैक करना है तो, है ना। तो एक तो बात हो गई कि इस एक्ट के कमेंसमेंट से पहले किसी पर्सन के पास कोई एनिमल है उससे रिलेटेड आर्टिकल है, ठीक है। अब इस एक्ट के कमेंस होने के बाद अगर कोई किसी पर्सन, कोई भी पर्सन किसी किसी के उसके पजेशन में कोई ऐसा एनिमल पाया जाता है या फिर उसका उसको ट्रांसफर करता है, उस एनिमल को सेल करता है, तो वो नहीं कर सकता, उसके लिए उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। किसकी परमिशन? चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की या ऑथराइज्ड ऑफिसर की, ठीक है। अगर आप ट्रेड करना चाहते हो, ट्रांसपोर्ट करना चाहते हो किसी भी एनिमल को या उसके आर्टिकल को, तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी किसकी? चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन और ऑथराइज्ड ऑफिसर। और ये किन किन जानवरों की बात हो रही है, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स की, जो शेड्यूल वन में दिए हैं या फिर पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 2 इनमें दिए हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा इस चीज को, इस बात की। नो पर्सन अदर देन अ पर्सन हैविंग अ सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप आफ्टर द कमेंसमेंट। अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के कमेंस होने के बाद किसी भी व्यक्ति को कोई भी एक्वायर करना है किसी भी जानवर को एक्वायर करना है या फिर उससे रिलेटेड किसी आर्टिकल को ट्रांसपोर्ट करना है, सेल करना है, कौन से एनिमल्स की बात हो रही है जो शेड्यूल 1 या फिर पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 2 में दिए हैं, तो वो पर्सन नहीं कर सकता अगर उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप नहीं है, ठीक है। अब इतना मुझे नहीं लगता कि इतना इसमें इतना डीप जाके ये सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि इस एक्ट में बहुत से बनने को इस एक्ट से बहुत सवाल बन सकते हैं, लेकिन वही पूछे जाएंगे जिनका हम देखा जाए तो सामान्य स्थिति में जिनका इस्तेमाल ज्यादा होता है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर हो गई किसी भी एरिया को नेशनल पार्क या सेंचुरी डिक्लेयर करने की, है ना। कोई भी चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की परमिशन कहाँ कहाँ लगती है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातों में, हंटिंग करने में, इस तरह की जो बातें होती हैं, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कौन बनाता है, स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की ड्यूटीज कहाँ दी है, इस तरह के सवाल बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इस तरह अंदर जाके सवाल बनने के चांसेस मेरे हिसाब से उतने नहीं है, ठीक है। बस एक चीज याद रखिए इसमें कि जैसे कि आपने डिक्लेरेशन दिया चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑथराइज या फिर अदर ऑथराइज्ड ऑफिसर को कि हमारे पास ये जानवर है ना, या फिर इनसे रिलेटेड कोई भी आर्टिकल है, तो उस पर क्या करेगा, वो इंक्वायरी करेगा, प्रॉपर वो ऑफिसर है वो इंक्वायरी करेगा और आइडेंटिफिकेशन मार्क लगा देगा उन पे कि हाँ ये मेरी मेरे पास ये एनिमल और ये आर्टिकल्स मेरे पास आए हैं, इस व्यक्ति के द्वारा लाए गए हैं, तो उनपे अपनी एक आइडेंटिफिकेशन मार्क लगा देगा, कुछ ऐसी खास बात नहीं है। मैंने अभी बात की थी ना सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप, तो अब मान के चलो कि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के पास अगर कोई व्यक्ति आया सेक्शन 40 में, है ना, कि भाई मेरे पास अभी अपन हमने देखा ना सेक्शन 40 देखा, उसमें अगर कोई पर्सन आता है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के पास में कि मेरे पास ये जानवर है इससे रिलेटेड आर्टिकल है ना, ये कब कब है उस व्यक्ति के पास, इस एक्ट के कमेंसमेंट होने से पहले से है, तो एक सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप दे देगा कि हाँ ठीक है, अगर उसको लगता है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को कि हाँ इस व्यक्ति को, इन सब जानवरों को या फिर इनसे इनसे रिलेटेड जो आर्टिकल है इसके पास, उनको धारण करने का अधिकार होना चाहिए, तो उसको एक सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप दे देगा, ठीक है। ये वाली बात हो गई। इसके बाद 44, बिना लाइसेंस के आप ट्रॉफी, ट्रॉफी हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, एनिमल आर्टिकल्स बिना लाइसेंस के आप उनका व्यापार नहीं कर सकते। 44, बस सामान्य सी बात है, कुछ नहीं है और इसमें। देखो डील, जैसे आपको डील करना है तो लाइसेंस कौन देगा, अभी मैंने ना डी डी है ना बिजनेस प्रोहिबिटेड है,
उसका लाइसेंस कौन देगा अगर आपको करना है? तो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन और ऑथराइज्ड ऑफिसर, ठीक है। अगर आपको 44 में जो अभी लिखा था कि आप बिजनेस नहीं कर सकते ट्रॉफी और एम्यूजमेंट आर्टिकल्स का बिना लाइसेंस के, तो लाइसेंस देगा कौन? चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन या फिर ऑथराइज्ड ऑफिसर, बस इतना याद रखना है। लाइसेंस दिए हैं आपको तो उसका सस्पेंड हो सकता है, कैंसिल हो सकता है, कुछ खास बात नहीं है, इतने याद रखने की आवश्यकता भी नहीं है। अपील, अगर लाइसेंस देने से मना कर दिया, सेक्शन 44 के अंदर अभी हमने पढ़ा, या 45 के अंदर लाइसेंस देने से मना कर दिया, रिन्यू करने से मना कर दिया, कैंसिल या सस्पेंड कर दिया, और अगर वो ऑर्डर किसका है? ऑथराइज्ड ऑफिसर का है, तो अपील कहाँ जाएगी? चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के पास। अगर वो ऑर्डर किसका है? वाइल्ड लाइफ वार्डन का है, तो अपील कहाँ जाएगी? सेंट्रल, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास। अगर सेकंड अपील कहाँ जाएगी? अगर ये ऑर्डर किसने पास किया है, ऑर्डर पास इन अपील वही चीफ वार्डन ने, ठीक है। सेकंड अपील कहाँ जाएगी? स्टेट गवर्नमेंट के पास। मतलब कुल मिला के पहली अपील कहाँ गई? चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के पास, और सेकंड अपील कहाँ जाएगी? स्टेट गवर्नमेंट के पास। इतनी ही बात है, ठीक है। वो सामान्य सी बात है, खुद भी आप अगर पढ़ो, अगर खुद भी आप एक बार रीड करोगे तो बहुत सामान्य लगेगी बात, कुछ ऐसा डिफिकल्ट है नहीं इसमें, है ना। अपील कितने दिन के अंदर करनी है? 30 दिन के अंदर। इसमें ज्यादातर जो अपील का पीरियड है वो 30 दिन ही है, और फिर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले तो हो ही सकता है। अगर आप 30 दिन के देरी से ही फाइल करते हैं तो आपको अलाउ कर दिया जाता है, अगर आपकी सफिशियंट कॉज शो करते हो तो। बहुत सामान्य सी बात है, 30 दिन का एक पीरियड है जो हर जगह इस्तेमाल हो रहा है जहां भी अपील की बात आ रही है। वाइल्ड एनिमल का ट्रांसपोर्टेशन अगर आपको करना है तो परमिशन किसकी लगेगी? चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, कोई ऑफिसर ऑथराइज्ड बाई स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अगर ट्रांसपोर्ट करने हैं आपको वाइल्ड लाइफ एनिमल या फिर उनसे संबंधित जो भी आर्टिकल है या स्पेसिफाइड प्लांट है, तो आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए परमिशन किसकी लगेगी? चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन और ऑथराइज्ड ऑफिसर, जिसको ऑथराइज किसने किया है? स्टेट गवर्नमेंट ने। बस इतनी सी बात है इसमें, ये याद रखिएगा। परचेज ऑफ कैप्टिव एनिमल वाय पर्सन अदर देन अ लाइसेंसी, ठीक है। कैप्टिव एनिमल का, अगर आपको कोई भी कैप्टिव एनिमल परचेज करना है तो आप किससे करोगे? लाइसेंस, जिसके पास लाइसेंस है उन एनिमल्स में डील करने का, बिजनेस करने का, उसी से आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। इतनी बात कहता है, बहुत सामान्य बात है। जब कई बार ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं इस एक्ट में, है ना, एक बता दिए मैंने आपको, एक याद रहेगा कि भाई वो आर्म्स डीलर वाली जो बात थी कि भाई आर्म्स कहाँ से खरीदोगे, जिसके पास आर्म्स बेचने का लाइसेंस है उससे, तो ऐसे इसमें भी यही है, ठीक है। जिसके पास सेल करने का अधिकार है उसी से आप परचेस करोगे। अब आर्म्स एक्ट में, एक आर्म्स एक्ट जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि प्रोहिबिटेड आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, ठीक है। तो प्रोहिबिटेड आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, कुछ ऐसे आर्म्स एंड एम्यूनिशंस होते हैं जिसका लाइसेंस आपको मिल ही नहीं सकता, जो कि मेनली वॉर वगैरह में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि रॉकेट हो गया, हैंड ग्रेनेड हो गया, AK-47 होगी, असोल्ट राइफल होगी। इसी तरह से यहाँ है कि कुछ एक एनिमल्स हैं जिन जिनका आप ट्रेड या कॉमर्स नहीं कर सकते, है ना, उनका व्यापार नहीं कर सकते, ठीक है। कौन से वो एनिमल्स हैं उनकी बात करते हैं। उन एनिमल्स को नाम दिया गया शेड्यूल एनिमल, ठीक है। एनिमल स्पेसिफाइड फॉर द टाइमिंग शेड्यूल 1 और पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 2, इनमें स्पेसिफाइड जो भी एनिमल है उनके ट्रेड से रिलेटेड आप उनका ट्रेड नहीं कर पाओगे, यही ये कहता है, ठीक है, ये प्रोविजन। शेड्यूल एनिमल
आर्टिकल क्या होगा जो उस एनिमल से प्राप्त हुआ है, वो आर्टिकल शेड्यूल एनिमल आर्टिकल होगा। इसमें आएगा क्या नहीं, शेड्यूल एनिमल जो आर्टिकल है उसमें फॉल क्या नहीं करता, टेल फीदर ऑफ पिकॉक, मोर की पूंछ का जो पंख होता है वो शेड्यूल्ड एनिमल आर्टिकल में नहीं आता, ठीक है। या फिर कोई भी आर्टिकल या ट्रॉफी है ना जो इससे बनती है, फीदर ऑफ पिकॉक से, टेल फीदर ऑफ पिकॉक से, और स्नेक वेनम, ठीक है, जो सांप का जो जहर होता है, और मोर की पूंछ का जो पंख होता है वो इसमें नहीं आता, शेड्यूल्ड एनिमल आर्टिकल में की डेफिनेशन में नहीं आता, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद ये नंबर याद रखिएगा, 49B, प्रोहिबिशन ऑफ डीलिंग इन ट्रॉफीज एनिमल आर्टिकल एक्सेट्रा ड्राइव फ्रॉम शेड्यूल एनिमल्स, ये नंबर पूछा जा सकता है। इसके बाद ऑफेंसेस की बात आ जाएगी अब, ठीक है, कि अब अपराध हुए हैं इस एक्ट के अंदर, अगर आपने कुछ अपराध किया है तो उसकी क्या प्रोसीजर होगा उसको देख लेते हैं। 50, पावर ऑफ एंट्री, सर्च, अरेस्ट एंड डिटेंशन, किसके पास ये पावर रहेगी अरेस्ट करने की, एंट्री करने की, किसी जगह, किसी भी प्लेस को सर्च करने की, किसी भी आर्टिकल को, प्रोडक्ट को सीज करने की, किसकी पावर रहेगी? डायरेक्टर और एनी ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम इन दिस बिहाफ। डायरेक्टर कौन? अभी हमने वाइल्ड कंजर्वेशन का जो डायरेक्टर पढ़ा था वो डायरेक्टर है ना, द डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम इन दिस बिहाफ, और द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन और द ऑथराइज्ड ऑफिसर, एनी फॉरेस्ट ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर नॉट बिलोंग द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, ठीक है, इनकी ऑथोरिटीज के नाम याद रखिएगा, बस इन्हीं के पास पावर है सर्च अरेस्ट करने की। मूविंग फर्दर क्या, कुछ नहीं है, और भी कुछ पावर की बात की गई है कि अरेस्ट वारंट, सर्च वारंट इशू करना है, कोई भी विटनेस की अटेंडेंस इन्फोर्स करनी है, किसी डिस्कवरी या प्रोडक्शन करना है किसी डॉक्यूमेंट का, या फिर कोई एविडेंस वगैरह रिकॉर्ड करना है, तो ये सब पावर किसके पास है ये भी देख लेते हैं। एनी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन, एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ऑथराइज बाई द स्टेट गवर्नमेंट, ये ऑथोरिटीज है, इनके नाम याद रखिएगा कुल मिला के, है ना, ये पावर्स हैं इनकी। अब पेनल्टीज की बात कर लेते हैं, शास्तियों की बात कर लेते हैं, यहीं अपन ऑफेंसेस की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एनी पर्सन कॉन्ट्रावीन्स प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, अगर कोई मतलब इस एक्ट के किसी भी प्रोविजन का उल्लंघन किया है, लाइसेंस कि किसी कंडीशंस का ब्रीच किया है, उल्लंघन किया है, उसको तोड़ा है, तो कितनी सजा होगी? 3 साल तक की सजा, या फिर 25,000 रुपए तक का फाइन, या फिर बोथ, ये याद रखिएगा, ये सजा और फाइन। इसके बाद अगर आपने अपराध किया किससे संबंधित, एनी एनिमल स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 और पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 2 और मीट ऑफ एनी सच एनिमल, अगर इन जानवरों से संबंधित आपने कोई अपराध किया है तो उसकी सजा, या फिर है ना, या फिर कोई हंटिंग आपने सेंचुरी या नेशनल पार्क में की है, या फिर सेंचुरी या नेशनल पार्क की बाउंड्रीज को आपने ऑल्टर किया है, परिवर्तन किया है, तो आपकी सजा कितनी हो जाएगी? कम से कम 3 साल की सजा, विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स, और फाइन भी लगाया जाएगा, जिसकी कीमत कितनी होगी? 10,000 रुपए तक का फाइन भी लगा सकता है। ये सब आपने अगर किया तो कितनी, कम से कम 3 साल की सजा, विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स, फाइन भी लगाया जाएगा, जिस कम से कम 10,000 रुपए तक का, ज्यादा तो 1 करोड़ भी हो सकता है, कम से कम 10,000 रुपए तक का, ठीक है। ये कुछ नहीं है, ये ऐसे ही इसमें ऑफेंसेस दी हैं अलग अलग प्रोविजंस के, कॉन्ट्रावेंशंस की। अभी हमने 38J पढ़ा था कि आप चिड़ियाघर में जाके कोई भी ऐसी हरकतें देते हैं, गंदगी वंदगी करते हैं, जानवरों को परेशान करते हैं, तो उसकी सजा कितनी है, इंपॉर्टेंट सजा है ये, 6 महीने तक की सजा, या फिर फाइन 2,000 रुपए तक का, या फिर बोथ, दोनों, ठीक है, याद रखिएगा इसको। इसके बाद अगर आप
दोबारा या फिर दो बार से ज्यादा अपराध करते हो सब्सिक्वेंटली, तो इस केस में 38J के केस में अगर आप सेकेंड या सब्सिक्वेंट ऑफेंस करते हो तो सजा आपकी कितनी ही हो सकती है, एक साल तक की सजा, और फाइन कितना, 5,000 रुपए तक का फाइन। अगर आप ऐसे अपराध करते हो है ना, आप मान के चलो कि आप बिजनेस कर रहे थे, इस एक्ट के अंदर लाइसेंस मिला था आपको और आपने उसका दुरुपयोग किया, मिसयूज किया उस लाइसेंस का, कोई भी ऐसा इलीगल एक्ट किया, तो वो लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, बहुत ऑब्वियस सी बात है। हाँ, अगर कोई पर्सन कन्विक्ट होता है किसी ऑफेंस के लिए इस एक्ट में, तो कोर्ट क्या कहेगा कि सबसे पहले तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए, ठीक है? किसी के पास आर्म्स एक्ट एक्ट के अंदर कोई लाइसेंस है आर्म वेपन होल्ड करने का, तो सब अगर वो व्यक्ति अपराध करता है तो सबसे पहले तो अब वो भले ही उस वेपन का इस्तेमाल उस अपराध कार किसी अपराध को कारित करने में हो ना हो, ठीक है, वेपन का आपने यूज किया है कि नहीं किया कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए, उसके बाद भी अगर आप कन्विक्ट होते हो इस एक्ट के अंदर, तो कोर्ट क्या करेगा, आपका लाइसेंस रद्द कर देगा, कर सकता है। उसके अलावा एक और बात क्या होगी कि उस व्यक्ति को लाइसेंस नहीं मिलेगा कितने साल तक, 5 साल तक फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन, जिस तारीख को आपको सजा हुई है, जिस दिन आपको सजा हुई है, उस दिन से लेके अगले 5 साल तक आपको कोई भी आर्म्स एक्ट के अंदर कोई भी वेपन होल्ड करने का लाइसेंस नहीं मिलेगा, ये बात कहता है ये पर्टिकुलर क्लॉज, ठीक है? इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात और, अगर आपको जिस अपराध के लिए कन्विक्ट किया गया है वो अपराध कुछ इस कैटेगरी का है, कैसा, आपने हंटिंग की थी सेंचुरी या नेशनल पार्क में, या फिर आपने ऑफेंस किया था चैप्टर 5A के किसी प्रोविजन के रेस्पेक्ट में, है ना, और आपकी उम्र 18 साल या 18 साल से ऊपर है, तो आपके रेस्पेक्ट में सेक्शन 360 या फिर प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे, ये बात कहता है ये क्लॉज, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, सर्टेन कंडीशन टू अप्लाई वाइल ग्रांटिंग बेल। अगर आपको मान के चलो कि बेल वगैरह ग्रांट होती है, अगर आपने शेड्यूल 1 या फिर पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 2 के रेस्पेक्ट में कोई ऑफेंस किया है, या फिर नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के भीतर आपने कोई हंटिंग की है, कोई शिकार किया है, या फिर उसकी सेंचुरी या पार्क की बाउंड्रीज को ऑल्टर किया है, तो क्या होगा अगर उस ऑफेंस के लिए आप एक्यूज्ड हैं, आप आरोपी हैं, माफ कीजिएगा, उस ऑफेंस के लिए अगर आप पे एक्यूज्ड आप पे लगाए गए, आप पे आरोप लगाए गए हैं और आप प्रीवियसली पहले भी कन्विक्ट हो चुके हैं, पहले भी आपका कभी कन्विक्शन हो चुका है, तो बेल आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को मौका दिया जाएगा कि वो आपकी बेल को अपोज कर सके। बहुत सामान्य सी बात है, कुछ खास है नहीं इसमें, इतना जानने का इतना इंपॉर्टेंट भी मुझे नहीं लगती इस एक्ट के बाकी प्रोविजंस को देखते हुए, ठीक है? पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल सीजर, अगर मान के चलो कोई अधिकारी है, वो गलत तरीके से आपके किसी भी, मान के चलो कि आपके पास किसी भी वाइल्ड एनिमल में के संबंधित ट्रेड करने का आपके पास लाइसेंस था, है ना, और कोई भी अधिकारी है वो गलत तरीके से रॉन्गफुली आपके आर्टिकल्स को सीज कर लेता है, एनिमल आर्टिकल्स को या फिर एनिमल को, कैप्टिव एनिमल को सीज कर लेता है, तो कितनी सजा हो सकती है उस अधिकारी को, 6 मंथ तक, 6 महीने तक की सजा, फाइन कितना, 5,000 रुपए तक का, या फिर दोनों, बोथ, ठीक है? पावर टू कंपाउंड ऑफेंस, कोई अपराध किसी अपराध को समन करना है, कंपाउंड करना है, तो फिर क्या,
सीआरपीसी में किस प्रोविजन के अंदर कंपाउंड करते हैं? चैट बॉक्स में बताइए सीआरपीसी के अंदर किस प्रोविजन के अंदर कंपाउंड करते हैं, जल्दी। सेंट्रल गवर्नमेंट इंपावर करेगी किसको? डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन और एनी अदर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन, और स्टेट गवर्नमेंट के केस में चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन या फिर कोई और अधिकारी नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। ये लोग क्या कर सकते हैं? आपको कंपाउंड कर सकते हो ऑफेंस को, आपसे कुछ एक जुर्माना ले लेंगे या फिर प्रतिकर ले लेंगे, कंपेंसेशन ले लेंगे और आपके ऑफेंस को कंपाउंड कर सकते हैं ये ऑथोरिटीज। ठीक है, इनके नाम देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, उस व्यक्ति को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, कंपेंसेशन लेके उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा, है ना, एक तरह का राजीनामा हो रहा है, और उस व्यक्ति के खिलाफ कोई भी फर्दर प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई जाएंगी। बस अब जो पैसा लिया जा रहा है इस कंपाउंड के रेस्पेक्ट में, वो उसकी कीमत कितनी होगी? वो 25,000 रुपए से ज्यादा का कंपेंसेशन नहीं लिया जा सकता, यही लिखा है इसमें। ठीक है, कंपाउंड करते समय 25,000 से ज्यादा पैसे एज अ कंपेंसेशन नहीं लिए जा सकते, बस। और अगर किसी ऑफेंस के लिए मिनिमम इम्प्रिजनमेंट प्रिस्क्राइब्ड है सेक्शन 51 में, जैसे हमने देखा ना कि अगर कोई नेशनल पार्क या सेंचुरी में कोई हंटिंग वगैरह करता है तो उसके लिए मिनिमम 3 साल की सजा है, उस केस में उस अगर ऐसा ऑफेंस आपने किया है तो वो कंपाउंड नहीं होगा। ठीक है, वो समन नहीं हो, समनीय अपराध नहीं है वो, जिसके लिए मिनिमम पनिशमेंट प्रोसाइड है सेक्शन 51 में। कॉग्निजेंसिस ऑफ ऑफेंसेस, अपराधों का क्या संज्ञान में लिया जाना, अगर इस एक्ट में कोई भी ऑफेंस हुआ है तो उससे रिलेटेड जो भी कंप्लेंट फाइल होगी वो कंसर्न्ड ऑफिसर फाइल करेगा। प्राइवेट पर्सन भी कर सकता है, कब? जब वो प्राइवेट पर्सन एक 60 दिन का प्रायर नोटिस दे देगा कि भाई मैं ऐसी ऐसी कंप्लेंट फाइल करने जा रहा हूं, किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर किसी भी ऑथराइज्ड ऑफिसर को। वो पहले बता देगा 60 दिन पहले कि मैं कंप्लेंट, इस एक्ट के अंदर एक अपराध हुआ है जिसकी कंप्लेंट मैं फाइल करना चाहता हूं, मैं करने जा रहा हूं, तो अपने इस इंटेंशन की जानकारी 60 दिन पहले दे देगा वो, तभी एक प्राइवेट पर्सन कंप्लेंट फाइल कर सकता है। बस इतनी बात है, कुछ नहीं है इसमें। अगर बताया गया किसी और इस एक्ट के अंदर कोई भी ऑफेंस हो रहा है जिसकी सजा किसी और कोई एक्ट है, कोई और लॉ है जिसमें ज्यादा है, इस एक्ट के कंपैरिजन में किसी और लॉ में सजा ज्यादा है तो ये एक्ट कहता है तो वहां सजा दे दो। हमारे हमारा तो सिर्फ इतना पर्पज है कि जो भी गुनेगार है, जो भी कल्प्रिट है, जो भी वाइल्ड लाइफ के खिलाफ कोई अपराध करता है, उसको ज्यादा से ज्यादा कठोर से कठोर सजा हो, बस यही है ये प्रोविजन। ठीक है, प्रिजम्पशन टू बी मेड इन सर्टन केसेस, क्या अवधारणा रहेगी, क्या उपधारणा हो रहेगी? अगर आपके पजेशन से कोई भी एनिमल आर्टिकल, ट्रॉफीज वगैरह मिलती हैं तो माना जाएगा कि आपने वो अनलॉफुली एक्वायर कर रखी है, बस इतनी बात है। ये 58 कुछ नहीं बताता कि कंपनीज के द्वारा अपराध है, बहुत सामान्य प्रोविजन है, कुछ नहीं है, नंबर याद रखिएगा बस। एप्लीकेशंस 58। अब मान के चलो आपने इलीगल हंटिंग या फिर ट्रेड करके आपने पैसा कमाया, उस पैसे से आपने क्या करा, एक जमीन खरीद ली। ठीक है, आपने पैसा कमाया कैसे? इलीगल हंटिंग, गैर कानूनी शिकार करके या फिर ट्रेड करके आपने पैसा कमाया और उससे एक जमीन खरीद ली, तो उस जमीन को क्या कहा जाएगा? इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। अगर आपने ऐसे पैसे से कोई जमीन खरीदी है तो उसको इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कहा जाएगा, उसी के बारे में अभी बात करेंगे हम। सबसे पहले तो 58B के सबसेक्शन में कहां दिया है, जी में, इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी डिफाइन की है, वही है जो मैंने अभी बताई आपको।
प्रोहिबिशन ऑफ होल्डिंग लीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, आप इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर कर करके रख सकते, ये 58C कहता है, बस इतना याद रखना है इसमें। कंपिटेंट ऑथोरिटी, अब स्टेट गवर्नमेंट किसी भी ऑफिसर को नॉट बिलो द रैंक ऑफ द चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी की तरह अपॉइंट करेगी किसी भी ऑफिसर को नॉट बिलो द रैंक ऑफ चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, यही याद रखिएगा बस अभी के लिए आप, क्योंकि कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी का आगे रोल है। आइडेंटिफाई इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, अब एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, मतलब डीआईजी की रैंक का कम से कम कोई अधिकारी होना चाहिए। कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी कंप्लेंट फाइल करेगी किसको, ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को क्या करेगी, कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी कंप्लेंट फाइल करेगी, ठीक है, कि कोई व्यक्ति क्या एक्वायर कर रखी है, किसी व्यक्ति ने इलीगली कोई प्रॉपर्टी एक्वायर कर रखी है, जिसके खरीदने के लिए पैसा कहां से आया, इलीगल हंटिंग और ट्रेडिंग से, ठीक है। तो साहब उसके बाद ये जो अधिकारी है वो इसकी जब छानबीन करेगा, और अगर ऐसी संपत्ति को क्या किया जा सकता है, सीज जब्त कर लिया जाएगा, फोरफीट है ना, फ्रीज कर लिया जाएगा, इसकी एक तरह की जब्ती हो जाएगी। आगे प्रॉपर नोटिस वोटिस दिया जाएगा कि आपकी भाई प्रॉपर्टी को फोरफीट कर रहे हैं हम, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। बस भाई बर्डन ऑफ प्रूफ किसका रहेगा, जिसकी जिसके पास वो प्रॉपर्टी है, जिसके नाम उसके पास ही है बर्डन ऑफ प्रूफ, कि तुम साबित करो कि ये इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ हम तो मान के चल रहे हैं कि तुम्हारी ये संपत्ति इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। फाइल इन लियो ऑफ फोरफीचर, फोरफीचर की जगह फाइन भी लगाया जा सकता है, जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब मान के चलो कि किसी के पास कोई संपत्ति पाई गई कि भाई ये लीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, ऐसा माना जा रहा है, लेकिन उसमें से ज्यादातर जो जो जिस पैसे से वो संपत्ति खरीदी गई है उसका हिसाब उस व्यक्ति ने दे दिया जिस पे ये इल्जाम लगाया, कुछ एक थोड़ी सी जगह है जिसका हिसाब वो नहीं दे पा रहा है कि ये मैंने इसके लिए पैसा मेरे पास कहां से आया, ठीक है। तो किसी ने अगर 50 लाख की जमीन खरीदी थी तो उसने मान के चलो 48 लाख का हिसाब दे दिया है कि 48 लाख रुपए मैंने कहाँ से लेके आया इस जमीन को खरीदने के लिए, 2 लाख का हिसाब नहीं दे पा रहा है, तो कुछ नहीं है, वो 2 लाख के रेस्पेक्ट में वो जमीन कुछ नहीं है, फाइन लगा के फोरफिट नहीं करेंगे, फाइन लगा के छोड़ देंगे, ठीक है यार, है ना, इस तरह की बात इसमें लिखी गई और कुछ नहीं है। फाइन इन लियो ऑफ फोरफीचर, बस। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल, अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाएगा कौन, किसके रेस्पेक्ट में होगा ये, इसी जो प्रॉपर्टी फोरफीट वगैरह हो रही है उसी के रेस्पेक्ट में स्टेट गवर्नमेंट एक अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाएगी, किसके रेस्पेक्ट में, जो वही जो अभी इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी फोरफीट नहीं हो रही है इसके रेस्पेक्ट में, उसका चेयरमैन कौन होगा अपीलेट ट्रिब्यूनल का, कोई भी पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट, बस ये इंपॉर्टेंट बात है याद रख लीजिएगा। अपील, अपील समझ लेते हैं, अपील 45 दिन में अपील की जाएगी, अगर अपीलेट ट्रिब्यूनल को किसी भी फैसले से अपील करनी है, किसी फैसले के खिलाफ अपील करनी है तो 45 दिन में की जाएगी, 45 दिन के ऊपर भी अपील मंजूर की जा सकती है अगर आपने सफिशिएंट कॉज दिखाया तो, बट नॉट आफ्टर 60 डे फ्रॉम द डेट अफोर्सेड, मतलब मैक्सिमम पीरियड कितना है अपील करने का, 60 दिन, 45 दिन है, बढ़ा सकता है कितना और, 15 दिन और, बट नॉट आफ्टर 60 डेज, मे एंटरटेन एन अपील आफ्टर द सेट पीरियड ऑफ 45 डेज बट नॉट आफ्टर 60 डेज, टोटल पीरियड 60 दिन के भीतर भीतर आपको अपीलेट ट्रिब्यूनल के बिफोर अपील फाइल करनी है, ठीक है। बार ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, अब कोई भी ऑर्डर है, डिक्लेरेशन है, अपीलेट ट्रिब्यूनल या कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी पास करती है इस चैप्टर में इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी से संबंधित, तो उसमें कोर्ट का, सिविल कोर्ट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, वो कोई भी इंजंक्शन वगैरह पास नहीं करेगा ऐसा किसी एक्शन के खिलाफ जो कि कॉम्पिटेंट या अपीलेट ट्रिब्यूनल ने लिया है इस चैप्टर के अंदर। बहुत स्पेसिफिक बात है, इस चैप्टर के रेस्पेक्ट में ही है, जो ये लीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी वाला जो इस चैप्टर है उसी के रेस्पेक्ट में ये सब बातें। कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल है पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट, सामान्य बात है, क्या क्या पावर होती है सिविल कोर्ट की, कि
कि भाई किसी विटनेस को बुलाना, एग्जामिन करना, कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करवाना, सम कमीशन जारी करना, ये सब। पनिशमेंट फॉर एक्वायरिंग प्रॉपर्टी इन रिलेशन टू विच प्रोसीडिंग्स हैव बीन टेकन अंडर दिस चैप्टर। अब भाई इस चैप्टर के अंदर किसी प्रॉपर्टी से संबंधित, कि मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, उसको कहा जा रहा है कि वो इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब मेरा एक दोस्त है, मेरे खिलाफ मामला चल रहा है, पेंडिंग है अभी, है ना, उस सब प्रॉपर्टी संबंधित। मेरा एक दोस्त है, वो प्रॉपर्टी मैं उसको बेच देता हूँ। अब भाई वो जिसको मैं प्रॉपर्टी बेची है ना, उसको सजा हो सकती है, यही लिखा है इसमें। एनी पर्सन हु नोइंगली एक्वायर्स बाय एनी मोड एनी प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी जिसके रेस्पेक्ट में प्रोसीडिंग पेंडिंग है, पेंडिंग थी ना अभी मेरे खिलाफ वो प्रोसीडिंग, मेरी प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट वो मैंने अपने दोस्त को बेच दी, अब जिसने खरीदी है उसको सजा हो जाएगी इसमें। रिसांक, ये मान के चलिए आपकी 5-1 मिनट और लगेंगे कंप्लीशन में, 5 मिनट और लगेंगे, कुछ एक प्रोविजन बचे हैं, ठीक है। इतनी सजा हो सकती है 5 साल तक की, और फाइन भी लगेगा, कितना, 50,000 रुपए तक का, ठीक है। एक अलग प्रोविजन है, डिफरेंट प्रोविजन है थोड़ा, कि भाई खरीदने वाले को सजा हो जाएगी इसमें। इसके अलावा मिसलेनियस आखिरी प्रोविजन, सॉरी माफ कीजिएगा, आखिरी लास्ट चैप्टर है, कुछ एक प्रोविजन बचे हैं इसमें अभी। प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, अगर कोई भी अधिकारी है, सरकार है, कोई इसमें कोई भी फैसला लेती है इस एक्ट के अंदर, है ना, फॉर दी टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस एक्ट, तो वो एक्शन गुड फेथ में माना जाएगा और उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा कोर्ट में, यही बात है इसमें। रिवॉर्ड टू पर्सन, अब मान के चलो कि हमें अभी देखा था कि किसी ऑफेंस के रेस्पेक्ट में कंपाउंड हुआ है, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज हुआ है, तो उस किसी व्यक्ति ने जिस ऑफेंस के रेस्पेक्ट में कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उस ऑफेंस को डिटेक्ट करने में, उस अपराधी तक पहुंचने में पुलिस की मदद की थी, है ना, या फिर किसी भी अथॉरिटी की मदद की थी, जिस भी व्यक्ति, तो उसको कुछ इनाम मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित कोई मामला था, तो कितना मिलेगा, नॉट एक्सीडिंग 50% ऑफ सच मनी। मानो 1 लाख रुपए मिला है अगर कंपेंसेशन में, तो 50,000 रुपए रिवॉर्ड की तरह किस व्यक्ति को मिल जाएगा, जिसने पुलिस की मदद की थी। स्टेट गवर्नमेंट किसको एम्पावर करेगी रिवॉर्ड देने के लिए, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को, कितना रिवॉर्ड मिलेगा, 10,000 रुपए तक का रिवॉर्ड दे सकता है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन एज अ इनाम, जिस भी व्यक्ति ने मदद की थी आपकी किसी भी ऑफेंस को डिटेक्ट करने में, ठीक है। पावर टू ऑल्टर एंट्रीज एंड शेड्यूल्स, अब शेड्यूल में डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स का डिस्क्रिप्शन है, नाम बताए गए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो उस शेड्यूल को परिवर्तित कर सकती है, ऑल्टर कर सकती है। डिक्लेरेशन ऑफ सर्टेन वाइल्ड, अब हमने 62, अब हमने एक बात की थी बर्मिन, शेड्यूल 5 में कुछ एनिमल्स को बर्मिन का नाम दिया गया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी वाइल्ड एनिमल को जो अदर देन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 और पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 2, पार्ट शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 के पार्ट 2 के सिवाय और कोई एक शेड्यूल है ना, जिसमें किसी वाइल्ड एनिमल का जिक्र है, मेंशन किया गया है, उस वाइल्ड एनिमल को बर्मिन डिक्लेयर कर सकती है, कितने पीरियड के लिए, किस एरिया के लिए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में बताएगी, है ना, और उस वाइल्ड एनिमल को उस दिन से क्या समझा जाएगा, बर्मिन, और वो शेड्यूल 5 में इंक्लूड किया जाएगा। अब इसका मैं एक उदाहरण दे देता हूं आपको, बीच में एक केस आया था कि बिहार में एक नील गाय करके कहते एक जीव होता है, जिसको हम रोज रोज कहते हैं, है ना, तो उसको मारने के लिए परमिट कर दिया था, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री है, उसने नोटिफिकेशन जारी किया था और कह दिया था कि जो नील गाय जिसे कहते हैं, रोज कहते हैं, उन जानवरों को बर्मिन में रखा जाए, बर्मिन में रख दिया जाए। तो अब क्या हुआ, बर्मिन में रख दिया तो भाई उनकी जो हंटिंग है वो अलाउड हो गई, उनको मारना शुरू किया। मारना क्यों, क्योंकि वो झुंड के झुंड आते थे और फसलों को बर्बाद कर देते थे, है ना, इसलिए। तो वो जो नोटिफिकेशन जारी किया था वो 62 के अंदर ही किया था, ये मैं आपको एक बात बता दूं, समझने के लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट है।
इसमें इस एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास पावर है रूल्स बनाने की डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट से संबंधित। ये देख लिए, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, ठीक है। राइट्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स टू बी प्रोटेक्टेड। अब भाई शेड्यूल्ड ट्राइब्स के राइट है उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। 65 बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक्ट की कोई भी बात किस पे अप्लाई नहीं होगी? हंटिंग राइट्स कंफर्ड ऑन द शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ निकोबार आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के जो निकोबार आइलैंड के जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके हंटिंग राइट्स को इस एक्ट की कोई भी बात क्या नहीं करेगी, इफेक्ट अफेक्ट नहीं करेगी। भाई उनके पास हंटिंग राइट्स बने रहेंगे इस निकोबार आइलैंड में, क्योंकि वहां की जो स्थिति है, जो जियोग्राफिकल लोकेशन है, वो थोड़ी डिफरेंट है, ठीक है। इसलिए तो ये आखिरी प्रोविजन था, यहाँ हमारे प्रोविजन खत्म होते हैं। ये था हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अब कुछ एक 5 मिनट में मैं कुछ एक सवाल पूछ लेता हूं आपसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से संबंधित। जल्दी जल्दी इसका चैट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो ये बताइए कि मध्य प्रदेश में कब कमेंस हुआ था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, कब इन्फोर्स में आया था? बताइए भाई, पेपर है 15 दिन बाद। एनिमल कहां डिफाइंड है? सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर कहाँ दी है किसी भी एरिया को सेंट्रल सेंचुरी या फिर नेशनल पार्क डिक्लेयर करने की? 25/1973, बिल्कुल सही अदिति। हाँ, अब ये बताइए एनिमल कहाँ डिफाइन है इस एक्ट में, एनिमल कहाँ डिफाइन किया गया है? जल्दी फटाफट एनिमल की डेफिनेशन कहाँ दी गई है? परफेक्ट। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन किस प्रोविजन में दिया गया है? अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन किस प्रोविजन में दिया गया है और कौन अपॉइंट करता है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को? फटाफट फटाफट। नेक्स्ट क्लास कब होगी? नेक्स्ट क्लास मेरी या फिर इन जनरल इस क्रैश कोर्स की? अच्छा, मेरी नेक्स्ट क्लास है 6th को, 6 तारीख को है। उसमें हम पढ़ेंगे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट और बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट, है ना। इन दो एक्ट को हम कवर करेंगे एक साथ, 6 तारीख को है। अब ये बताइए कहाँ है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन का अपॉइंटमेंट कहाँ दिया है और कौन करता है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को अपॉइंट? जल्दी बताइए यार, स्टेट गवर्नमेंट। बहुत अच्छे प्रोविजन अदिति, प्रोविजन कौन सा है? स्टेट गवर्नमेंट धारा, बिल्कुल सही। प्रोविजन बताइए, सेक्शन 4, 3 नहीं 4, 3 में है डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन। उस ये बताइए डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन सेक्शन 3 में है, उसको अपॉइंट कौन करता है? ठीक है, सेक्शन 4, परफेक्ट। डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन को अपॉइंट कौन करता है? सवाल बहुत बढ़िया, बताइए जल्दी जल्दी। डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन सेक्शन 3 में अपॉइंट होता है, कौन अपॉइंट करता है? ठीक है, बहुत अच्छी अदिति, सेंट्रल गवर्नमेंट। ये बताइए कौन सा प्रोविजन है जो बात करता है कि वाइल्ड एनिमल्स की हंटिंग प्रोहिबिटेड रहेगी? प्रोविजन ऑफ वाइल्ड हंटिंग की कौन सा प्रोविजन है जो बात करता है? प्रोविजन ऑफ हंटिंग प्रोविजन, सेक्शन 9 है, सेक्शन 9 बात करता है प्रोविजन ऑफ हंटिंग की। कुछ एक सवाल और, ये बताइए कि वाइल्ड एनिमल कहां डिफाइन है? वाइल्ड एनिमल कहां डिफाइन किया गया है? ठीक है ठीक है सुरेंद्र, ठीक है। वाइल्ड एनिमल कहां डिफाइंड है और वाइल्ड लाइफ दोनों का बताइए। सेक्शन 9 अदिति, परफेक्ट। सेक्शन 9 है प्रोविजन ऑफ हंटिंग की बात करता है। ये बताइए वाइल्ड एनिमल और वाइल्ड लाइफ कहां डिफाइन किया गया है? जल्दी
कोई दिक्कत नहीं है, गलत हो तो कोई समस्या नहीं है, यहां गलत हो जाए चलेगा, एग्जाम में नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेक्शन 36 और 37, 36 बात करता है वाइल्ड एनिमल की और 37 वाइल्ड लाइफ की बात करता है। दो सवाल और पूछूंगा, किस प्रोविजन के अंदर, अंडर विच प्रोविजन स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है किसी भी एरिया को एज अ नेशनल पार्क। आखिरी के दो सवाल और पूछूंगा, जब भी हमारा नेक्स्ट सेशन होगा तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को पढ़ के आइएगा, मैं कुछ एक सवाल जरूर पूछूंगा आपसे। ठीक है, नेक्स्ट 6 तारीख को जब हम 8 बजे मिलेंगे आरटीआई पढ़ने के लिए, उस समय मैं आपसे जरूर पूछूंगा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपको याद है कि नहीं। कुछ भी पूछ सकता हूं, आर्म्स एक्ट, वाइल्ड लाइफ, आईटी एक्ट, जो भी मैंने कवर किया है उनसे कहीं से भी सवाल पूछ सकता हूं। ठीक है, बहुत अच्छे, 36 37, बहुत बढ़िया। अब आखिरी का एक सवाल है जो मैं बस पूछने जा रहा हूं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। ये बताइए कि किसी भी सेंचुरी की बाउंड्री को ऑल्टर करना है तो पहली बात तो उसकी बाउंड्रीज को ऑल्टर करेगा कौन, और किसके अप्रूवल की या किसके रिकमेंडेशन की आवश्यकता पड़ती है किसी भी सेंचुरी के। सर, 1 क्लास फॉर टेस्ट। हाँ दारा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक क्लास में सिर्फ इसके लिए रखूं कि जितने एक्ट मैंने कवर किए हैं उन सबका क्विक रिवीजन, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछूंगा मैं आपसे, क्योंकि बोर्ड पे 4 ऑप्शन के साथ पूछने में क्या होता है, टाइम बहुत ज्यादा होता है ना, इतना समय, एग्जाम नजदीक है, इससे अच्छा तो ये है कि क्वेश्चंस आप डायरेक्ट लगा लीजिए, है ना। मैं डायरेक्ट आपसे क्विक रिवीजन इसी तरह का एक क्लास में लूंगा, जितने एक्ट मैंने कवर किए हैं उससे कहीं से भी सवाल पूछूंगा, तो तब पता चलता है यार तैयारी कैसी है। और मैं ऐसे सवाल पूछूंगा नहीं जिनके चांसेस, वही सवाल पूछूंगा जिनके चांसेस ज्यादा हैं। रिवीजन अच्छा हो जाएगा तो 4 ऑप्शन में तुरंत देखते ही आंसर आप लगा दोगे फटाक से। ठीक है, तो यही है, स्टेट गवर्नमेंट करता है, नेशनल बोर्ड की इसमें रिकमेंडेशन लगती है। अब अगली होगी उसमें भी हम इसी तरह का क्विक रिवीजन करेंगे, और मैं एक क्लास जरूर लूंगा जिसमें अब तक जो मैंने एक्ट पढ़ाए उनसे क्विक क्विक जो क्वेश्चन बनते हैं वो पूछूंगा। अब अगर आपको मॉक टेस्ट सीरीज, एलेक जुडिशरी मॉक टेस्ट सीरीज लेके आ रहा है बहुत ही एक रीजनेबल प्राइस पे, है ना, मैंने अभी उसके बारे में आपको जानकारी दी दी थी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको और जानकारी मिल जाएगी। पहला जो मॉक रहेगा 5 तारीख को रहेगा, है ना, उसका आप अटेम्प्ट कर सकते हो एलेक जुडिशरी के एप्लीकेशन पर जाके। कुछ नहीं, मॉक से ये है कि अब तक जो पढ़ लिया उसकी आपको प्रिपरेशन और अच्छी, आपको बेहतर बनानी है तो आप मॉक जरूर अटेम्प्ट करें, ये है। बाकी अगर आपको मेरा केस लॉ आएगा क्या, केस लॉ देखो अब तक मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं उसमें केस लॉ नहीं देखे हैं, अब तक इतने पूछे नहीं गए हैं, बट मैं एक बार और इस बारे में देखता हूँ, थोड़ी और जानकारी कलेक्ट करता हूँ, कुछ अगर मुझे लगते हैं केस लॉ इंपॉर्टेंट है तो मैं उनकी लिस्ट बना के आप लोगों तक पहुंचा दूंगा, तो उसकी आप ज्यादा उस चीज को लेकर, उस बात को लेकर आप ज्यादा परेशान मत होइए। ठीक है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि इस जो मैंने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की अगर क्लास ली है और आपको कुछ आसान भाषा में, सिंप्लीफाइड मैनर में इंपॉर्टेंट बातें एक कम समय में आप तक पहुंचाई हैं, तो मुझे मोटिवेट रखने के लिए बस मेरे मोटिवेशन के इतना कर दीजिए कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और उन लोगों से भी कहिए कि इनको फर्दर इस वीडियो को फॉरवर्ड करें, अगर क्योंकि अगर मेरे द्वारा कुछ अच्छी जानकारी अगर पहुंचाई गई है तो वो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो एडीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, एमपी की, या फिर कोई किसी अदर एग्जाम की जिसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आता है, तो उस विद्यार्थी को, उस स्टूडेंट को पढ़ने में, समझने में मदद मिलेगी। क्योंकि मैं उन एक्ट को, मेरा पर्पज सिर्फ इतना रहता है कि एक्ट के आपको कंसेप्ट पहुंच जाए कि भाई ये बात क्या करता है, क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये पहुंच जाए, मेरा बस यही उद्देश्य रहता है। किसी भी एक्ट को जब भी मैं पढ़ाता हूं तो मेरे दिमाग में ये जो बातें हैं वो हमेशा रहती हैं, मेरे जहन में ये बातें हमेशा रहती हैं। तो सिविल जज के एग्जाम में आया था, ठीक है,
उससे पहले इतने कभी नहीं पूछे जाते थे। लास्ट जो ईयर जो अभी एग्जाम हुआ था उसमें उतने केस लॉस पूछे गए थे। तब भी मैं कोशिश करूंगा कि जो इम्पोर्टेंट केस लॉस लगते हैं, जो कहीं पूछे गए हैं, वो मेरे पास अगर उसका कुछ कंटेंट है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, है ना। बाकी केस लॉ को पहले से डिटरमाइन नहीं कर सकती कौन सा केस पूछा जाएगा। हम वो केस बस थोड़े बहुत पढ़ के जा सकते हैं जिनके जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या फिर बहुत ज्यादा जो रिलेवेंट है। बाकी कहीं से भी कोई केस लॉ आ गया तो वो तो वैसे भी नहीं हमसे सॉल्व होगा, है ना, क्योंकि तो इतने साल ज्यादा केस लॉ हम याद भी करके नहीं रख सकते। तो यही था आज की क्लास के लिए। अब डिस्काउंट जो था वो अभी शायद मेरे हिसाब से उसका जो ऑप्शन है वो खत्म हो चुका है ना। बाकी जो मैंने नंबर आपको बताया था उससे आप एक बार उस नंबर पर कॉल कीजिएगा तो आपको डिटेल बाकी जो है मॉक टेस्ट से, मॉक जो सीरीज है, मॉक टेस्ट सीरीज है, उससे संबंधित जानकारी तो आपको उस नंबर पर कॉल करके मिल जाएगी, है ना। बाकी इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, है ना। इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और ज्यादा मेहनत करने की और ज्यादा अच्छे से उस एक्ट का एनालिसिस करने की मेरी जो इनकरेजमेंट है वो बहुत हाई रहता है वो, ठीक है। और मेरी बस यही कामना रहेंगे कि आप जो भी मेरे सेशन को देख रहे हैं, फिर जो भी विद्यार्थी आपकी तैयारी कर रहे हैं पूरी लगन के साथ एडीपीओ में, उनको सफलता प्राप्त हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, 6 तारीख को मिलते हैं बाकी दो एक्ट के साथ में, है ना। जब तक इन एक्ट को जो मैंने पढ़ाए हैं, बाकी टीचर्स ने पढ़ाए हैं, उनको रिवीजन करते रहिए। अपने एक्ट के जो प्रोविजंस, उनसे रिलेटेड मैं कभी भी सेशन में आपसे सवाल पूछता रहूंगा जिससे आपका रिवीजन होता रहे। ओके ना, ओके, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।